Amen, Jesus. ईशु तू है महान मेरे लिए है महान ईशु तू है महान मेरे लिए है महान मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान ईशु तू है महान ईशु तू है महान मेरे लिए है महान अंदर दिक्का अक्कल दीना शंबल दुक्कल अक्कल दीना शंबल दीना अक्कल दीना शंबल दीना अक्कल दीना शंबल दीना हालेलुया जीसस Hallelujah, Jesus. Cruz par khoon bahaya apna arpan kiya jeevan apna Cruz par khoon bahaya apna arpan kiya jeevan apna Yeshu prabhu tune sab kuch mere liye kiya Yeshu prabhu tune सब कुछ मेरे लिए किया यीशु तू है महान मेरे लिए है महान हे यीशु तू है महान मेरे लिए है महान अंदर दिक्कर अप्पल दीना शंबल दीना दुक्कुल दीना संबल दीना अप्पर दीना शंबल दू Glory. Shabala bala bara dina ba thara dina ma shabala bala bo. Tapu ki shama bhuti tare saatam kule chalta hai. Tapu ki shama bhuti tare saatam kule chalta hai. Hum to chudaya tapu se. यीशु तू है महान मेरे लिए है महान हालेलुया यीशु तू है महान मेरे लिए है महान थैंक यू जीसस का प्यारा है वो ही एक सहारा है यीशु सबका प्यारा है वो ही एक सहारा है कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया हालेलुया अनोखा प्यार प्रभु यीशु ने किया यीशु तू है महान That is true मेरे लिए है महान यीशु तू है महान मेरे लिए है महान मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान यीशु तू है महान आमीन Thank you.
जोरदार तालियां। करे खून बहाया अपना, अर्पण किया जीवन अपना, करे खून बहाया अपना, अर्पण किया जीवन अपना, यीशु प्रभु तूने सब कुछ मेरे लिए किया, यीशु प्रभु तूने सब कुछ मेरे लिए किया, यीशु तूने जोरदार तालियां आत्मा में होकर अंदर दीना अक्कर दीना शंबल दूना अपर दी कर दीना शंबल दीना अक्कर दूना अंदर दी यीशु है सबका प्यारा है वो ही एक सहारा हो यीशु ही सबका प्यारा है hey! वो ही एक सहारा है कई जानों का प्यार हम प्रभु यीशु ने किया हालेलुया का प्यार प्रभु यीशु ने किया हालेलुया 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 Alleluia, Alleluia, Hosanna, 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 Sabhi Taliyan, Hosanna, Hosanna, Unche Sabd Mein, Hosanna, Koi Chup Na Rahe, Hosanna, 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 Alleluia, 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 यीशु तू है महा तेरे लिए महा यीशु तू है महा तेरे लिए महा यीशु तू है महा तेरे लिए 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए और एक दूसरा गीत गाकर हमारे डेविड सांगल के ऊपर हम समय देंगे और आज विक्टर बेंजामिन डॉक्टर विक्टर बेंजामिन जिनके द्वारा विशेष आराधना में प्रवेश कर उसके पहले हम और एक गीत गाकर आगे का समय हमारा डेविड सांगल गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आई एम दूसरा गीत हम गाएंगे प्रभु का नाम ऊंचा कर मेरा। हम सभी मिलकर प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि उसका नाम यहोवानी से है, यहोवा रप्पा है, यहोवा यीरे है, यहोवा शालोम है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके उद्धार होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके अभिषेक मिलेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो भविष्यवक्ता बनेगा। आमेन। ए बच्चों सुनो ध्यान से, पापा ने क्या बोला, जो कोई उसका प्रभु का नाम लेगा क्या बनेगा, भविष्यवक्ता। चावल का नाम लेने से बुलाव बनेगा, याद रखो, और प्रभु का नाम लेने से तेरे जिंदगी भविष्यवक्ता बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। द ईजीएस्ट द हेवीएस्ट लाइफ टू बी द प्रॉफिट, और भविष्यवक्ता बनने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जीवन। You know the prophet? आप जानते हैं भविष्यवक्ता? Easiest person. बहुत ही सरल, बहुत ही आसान व्यक्ति होता है। Also, साथ साथ heaviest person. भारी भी होता है। Amen, hallelujah. Hallelujah. ये बच्चों सुन रहे नहीं सुन रहे, हल्का भी होता है भारी भी होता है। देखने में तो हल्का है
अगर वो गीत गाना शुरू करेगा, भविष्यवाणी करना शुरू करेगा, पूरा देश कांप उठेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा, यहोवा निसी है, यहोवा रफा है, यहोवा हीरे है, यहोवा शालम है। आई एम ये गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस वक्त हमारे डेविड सांगल के द्वारा विशेष गीत गाएंगे, उसके बाद हमारा बेटा डॉक्टर विक्टर बेंजामिन जिनके द्वारा एक विशेष आराधन में प्रवेश करें। हालेलुया, आप लोग प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम लोग भविष्यवक्ता के आज 35वें दिन की संध्याकाल के समय में भविष्यवक्ता सम्मेलन में हम सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, जो कहता है कि यीशु है शांति का राजा। हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं वो शांति का राजा है, वो महिमा का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो चंगाई का राजा है, वो स्वर्ग का राजा है, वो पृथ्वी का राजा है, 3000 प्रकार का राजा। हालेलुया हालेलुया। आइए उससे पहले एक शायरी को सुनेंगे हम लोग। ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ ही दवा बन जाए, ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ ही दवा बन जाए। वाह 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 वाह। चलो मसीह के नक्शे कदमों पर, चलो मसीह के नक्शे कदमों पर, ताकि तुम्हारी जिंदगी शांति से भर जाए, शांति से भर जाए, शांति से भर जाए। जोरदार ताली। वाह 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 वाह, क्या बात है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आप सब भी हमारे साथ गाइएगा, शांति से भरेगा। आज दुनिया शांति के लिए कहां कहां घूम रही है, फिर भी पूरी अशांति को लेके आ रहे हो। शांति नहीं आ रही है, शांति का परमेश्वर हमारे पास। हालेलुया। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। ताली बजाई थे, तालिया। शांति दिए जाता है, कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति से देता है। बोलिए शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है, कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति से देता है। यीशु शांति का राजा, खुद शांति है, शांति शांति, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है। तालियां बजाए, आत्मा से भरेगा, शांति से भरेगा। हालेलुया, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, सब अशांति भाग जाएगा, कल शांति और शांति और शांति रहेगा। हालेलुया रुखा बस। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नबियों ने भी कहा, सुनिएगा। ये कहा है
यीशु शांति का राजकुमार है, हर भूत पराक्रमी, अनंत काल का पिता यीशु है। नबियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमार है, हर भूत पराक्रमी, अनंत काल का पिता यीशु है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है, यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। शांति है यीशु ही खुद शांति है। आराधक की आत्मा से भरे हालेलुया। और इसलिए शांति ढूंढने वालों यीशु के पास चले आ जाओ, और कहीं शांति नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं भी जा सकते आप, शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया, शांति यीशु के पास है। और इसलिए अपनी चिंता को भी उसी पर डाल दो, शांति से भर देगा। हालेलुया, ढूंढने वालों यीशु के पास तुम चले आओ, अपनी चिंता उसी पर डालो, उसकी शांति को तुम अपना लो। ए शांति ढूंढने वालों यीशु के पास तुम चले आओ, अपनी चिंता उसी पर डालो, उसकी शांति को तुम अपना लो। मौका दिया है ताकि शांति को गवाना नहीं है। इस समय बड़ा महोबोल है, और इसलिए हमें भविष्यवक्ता बनने से इस समय को नहीं गवाना है। अंतिम समय अब तुम्हारा है। सर तुम्हें गवाना है, इस समय बड़ा महोबोल है, अंतिम समय अब तुम्हारा है, प्रभु यीशु तुम्हें बुलाता है। अवसर तुम्हें गवाना है, इसमें बड़ा बहुमोल है, अंतिम समय अब तुम्हारा है, प्रभु यीशु तुम्हें बुलाता है। शांति का राजा, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही शांति का राजा, यीशु ही शांति का राजा, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। शांति शांति खुद शांति है, यीशु खुद शांति है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास शांति नहीं है,
ओ आइए यीशु के पास आइए, शांति ढूंढते हुए यीशु के पास आए और अपनी चिंता उसी पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ढूंढने वाला यीशु के पास तुम चले आओ, अपनी चिंता उसी पर डालो, उसी की शांति को तुम अपना लो। शांति ढूंढने वाला यीशु के पास तुम चले आओ, अपनी चिंता उसी पर डालो, उसी की शांति को तुम अपना लो। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु है शांति का राजा, यीशु शांति का दाता, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, शांति शांति। सभी गाएंगे, खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। व्हाट ए ग्रेट पीस दैट वी हैव इन जीसस क्राइस्ट। और सच में कितनी अद्भुत शांति यीशु मसीह में हमारे पास है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस to bring Jesus Christ to everyone. यीशु मसीह को हर एक के पास लेकर आना सच में हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। That's the reason. यही कारण है। The school of prophets has been started. भविष्यवक्ताओं का विद्यालय शुरू किया गया है। A prophet who always preach the gospel of peace. और एक भविष्यवक्ता जो हमेशा शांति के सुसमाचार का प्रचार करता है। My dear children, मेरे प्यारे बच्चों, Today India need peace. आज हिंदुस्तान को शांति की जरूरत है। So we are here this evening. तो आज की शाम हम सभी यहाँ पर हैं। To be prepared as a prophet to bring a peace to every heart. ताकि भविष्यवक्ता के रूप में तैयार होकर हर एक के दिलों में शांति को ला सके। May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। What a wonderful day that God has given to come to the 35th day of school of prophets. सच में कितना अद्भुत दिन परमेश्वर ने दिया, अद्भुत सौभाग्य दिया कि हम सब भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के 35वें दिन में आ सके। Before we go enter in the prophetical ministry, इससे पहले कि भविष्यवक्ता इस सेवकाई में हम सब आगे बढ़े, shall we all going to spend a special time with a special worship. और आइए इस समय एक विशेष समय हम विशेष आराधना में बिताएंगे। Today our son Dr. Victor Benjamin, who is going to take us into the glorious, powerful, spirit-filled worship before we jump into the prophetical ministry. और आज हमारे बीच में हमारे बेटे डॉक्टर विक्टर बेंजामिन हैं, जो एक महिमा से भरी हुई सामर्थी आराधना में हमारी अगुवाई करेंगी, इससे पहले कि हम एक सामर्थी भविष्यवक्ता संदेश में आगे बढ़े। विक्टर, डॉक्टर विक्टर बेंजामिन, ओवर टू माय सन विक्टर बेंजामिन। आगे का समय मेरे बेटे डॉक्टर विक्टर बेंजामिन के हाथों में। Shall you all welcome by clapping our hand from the school of prophets. सभी भविष्यवक्ताओं के विद्यालय की ओर से जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। वेलकम डॉक्टर विक्टर बेंजामिन। डॉक्टर विक्टर बेंजामिन, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डियर बिशप पापा फॉर दिस वंडरफुल टाइम, वी आर ग्रेटली ब्लेस्ड। इज माय ऑडियो ओके? यस भैया। Okay, yesterday we were greatly blessed. कल हम बहुत प्रभु में आशीषित हुए, और मैं नहीं जानता, कुछ लोग मुझे भी मैसेज करके मेरी आराधना के बारे में मुझे बता रहे थे, मैं उन्हें भी नहीं जानता, बट मैं खुदा को जानता हूँ जिसने उन्हें ब्लेस किया। और आज हम ग्रेटर एक्सपेक्टेशन के साथ प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना करने के लिए जुड़े हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, आप लोग को जय बोलना है। ओके, अपने हाथों को उठाकर जय बोलना है। आइए आराधना करेंगे। प्रभु के सिवा हमारे दुख को कोई नहीं समझ सकता, यीशु के सिवा हमारे जख्मों पर मरहम को ही नहीं लगा सकता। मनुष्य कुछ समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, पर जो यीशु मसीह है वो हमारे साथ हरदम रहता है। हालेलुया,
आइए आराधना करेंगे, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और प्रभु को हम आदर महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाए, जैसा पवित्र आत्मा आपको लेकर चलता है वैसी आराधना करें। यू आर फ्री टू वर्शिप एज यू वॉन्ट टू वर्शिप, जैसा पवित्र आत्मा आपको कहता है वैसी आप आराधना करें प्रभु की। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी छिपने की जगह है। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, वो पाकर पवित्र लहू है। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। क्या कहें मेरे खुदा, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु से कहें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, जय जयकार करे प्रभु की। अपने हाथों को उठाए, हाथों को लहराए उस जिंदे खुदा के लिए। हालेलुया, जय जयकार करे प्रभु की, स्तुति आराधना करे। यस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशुआ। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, कहना मेरे भाई, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, यीशु से कहें, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, बोले यीशु मसीह की जय। जी हाँ, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, राहों में ले ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। और क्या हो, तसल्ली तेरे बातों में, तेरे छिदे हाथों में। जी हाँ, तसल्ली तेरे बातों में, तेरे छिदे हाथों में। प्रभु के लोग ऊंची आवाज से कहें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, मैं तेरी राह
चलता रहूं मेरे खुदा। नाचे प्रभु के लिए कहें, कफारा मेरा तू ही है, जी हाँ सहारा मेरा, हर परिस्थिति में यीशु कफारा है, तू ही है, हालेलुया, सहारा मेरा। जय जयकार करे प्रभु की ऊंची आवाज से, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा यीशुआ, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है। थाली बजाए कुर्बान, मैं देख रहा हूँ लोग नाच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु के लिए हमें नाचना है, प्रभु के लिए गाना है, यीशु के लिए हाथ उठाना है, यीशु की आराधना करना है। हालेलुया, कहेंगे प्रभु से एक और बार, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, मेरी राहों की, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। सुनिए, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। आइए आप कहें ऊंचे आवाज से, मसा से मुझे, जी हाँ, लहू से मुझे, बहुत अच्छे ऊंची आवाज से, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 हम तेरी राहों पर चलते रहे मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थाली बजाए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कहेंगे आप, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद आपके घरों में, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ऊंची आवाज से पुकारे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ऊंची आवाज से, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, यस खुदे प्रभु के लिए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, हालेलुया 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 जो
मौजूद है यहाँ, वो 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 है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हाथ को उठाकर, वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है वो, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ऊंची आवाज से कहे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है आपके घरों में, मौजूद है कहे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, हाथों को लहराए, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है आपके घरों में, कहे शैतान को बताए, मेरे पास मेरा यीशु मौजूद है, हालेलुया, परिस्थिति को बताए, वो मौजूद है यहाँ, जिंदा खुदा मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ऊंची आवाज से नारे लगाए, मेरा यीशु मेरे घर में मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितना आप प्रभु के करीब आते हैं उतना प्रभु की सामर्थ को आप पाते हैं, हालेलुया। जितना आप उसके पास आओगे उतना अधिक उसको आप जानोगे, हालेलुया। और जितना प्रभु को आप जानोगे उतना शैतान आपसे डरेगा, हालेलुया। उतना शैतान आपसे दूर होगा, उतनी आपकी बीमारी दूर होगी, उतनी आपकी परेशानी यीशु के नाम से दूर होगी, क्योंकि आपकी आपके ऊपर यीशु की मोहर लगी है। ग्लोरी टू जीसस। मैं देख रहा हूँ लोग आराधना कर रहे हैं, हाथों को उठा रहे, जगह से खड़े होकर नाच रहे हैं। मैं तो यहाँ बंद गया हूँ कुर्सी पर, अगर ये कुर्सी नहीं होती तो मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता, हालेलुया। आपकी आराधना आज आपके जीवन में उद्धार लेकर आएगी, आपकी आराधना आपके जीवन की आज भूमि को तैयार करेगी। वो खुदा जो सामर्थ्य संदेश आपके जीवन में देने वाला है उसको स्वीकार करने के लिए अपनी भूमि को तैयार करे। प्रिपेयर द लैंड, प्रिपेयर द लैंड, प्रिपेयर द लैंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं देख रहा हूं 105 पीपल आर हियर, ये 105 पीपल जितने 105 लोग हैं, ये 105 लोग के जीवन का भूमि, जीवन की भूमि आज तैयार हो जाए यीशु के नाम से। आपकी आराधना आपके जीवन में प्रभु को नजदीक लेकर आएगी, आपको नजदीक लेकर जाएगी प्रभु की, हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य भाषा में आराधना करें, हम आपकी आवाज नहीं सुन सकते, हम प्रत्येक को नहीं देख सकते, पर यीशु है ना, यीशु है जो आपको देख रहा है, यीशु है जो आपके साथ उठ रहा है, वो यीशु है जो आपके साथ बैठ रहा है, वो यीशु है जो आपके पास आ रहा है, वो पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। द मोर वे, द माइटी वे यू वर्शिप,
The mighty presence of the Holy Spirit will touch you tonight. कल से ज्यादा आराधना करें, दिन प्रतिदिन आज बड़े अपेक्षा के साथ प्रभु के पास आए. Hallelujah, 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 Hallelujah. मेरे जीवन के आंसू यीशु ने पोछे हैं. क्या यहां पे कोई है जिसके जीवन के आंसू यीशु ने पोछे हैं? क्या यहां पे कोई है जो यीशु के लिए अपना जीवन देता है, जो यीशु के लिए मरना चाहता है, जो यीशु के साथ सुली पर रहता है? हालेलुया. री खंदारा राबा री खुंदेरे बिशी खंदारा री खोन राबा सी खंदारा राबा. मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, वो सली पर अपनी जान को देकर मर गया, वो कब्र में गाड़ा गया. हालेलुया. मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा. यीशु से कह, मेरे लिए तू गड़ा. यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया. आज डॉक्टर लोग कीमत लगाते हैं जान की. हॉस्पिटल में एडमिट होना था जब कोविड चल रहा था, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कीमत लग गई जान की. पर यीशु का लहू जो बेशकीमती है, वो एक एक लोगों के लिए बहा है. आई सी आपके लिए बहा. 104 लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, एक तो चले गए, जाने दीजिए, पर जो उपस्थित है उसके लिए बहा है, जो ताली बजा रहा उसके लिए बहा है, जो आंसू बहा रहे उसके लिए बहा है, जो प्रभु के पास घुटनों पर आ रहे उसके लिए बहा है. मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा यीशुआ, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा. यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया. मेरे लिए तू मरा, मिलकर कहें, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा. यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. तारीफ करे तेरी तारीफ. यस यस यस, भर जाए पवित्र आत्मा से. तेरी तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. मिलकर कहें, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा. यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया. यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. तालियों के साथ आराधना करें. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. तेरी तारीफ हो, पुकारे तारीफ हो ए यीशु. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु. यीशु की तारीफ करे. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो ए यीशु. तारीफ हो, तारीफ हो,
तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ 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 हो, तेरी तारीफ 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 हो, तेरी तारीफ तारीफ ता मिलकर कहें तेरी तारीफ, केवल तारीफ करे, केवल तारीफ कर, तेरी तारीफ 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 हो यीशु, तारीफ तारीफ ऊंची आवाज से कहे तेरी तारीफ, तालियों के साथ कहें हालेलुया हालेलुया, तारीफ 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 हो, तेरी 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 तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु की तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, के डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के आज काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, क्या कहें, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, आज हमारे जीवन में तेरे नजात के काम दिख जाए मेरे खुदा, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के देखो मेरे प्रियो देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, हालेलुया, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया कहें हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, ये आखिरी गीत है मेरे प्रियो, हो सकता है दो मिनट में मैं खत्म भी कर दूं, दो मिनट में मैं खत्म भी कर दूंगा मेरे प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, प्रभु से कहे, प्रभु से कहे, आज मैंने शिफा पा ली है मेरे खुदा, आज मैंने शिफा पा ली है खुदा, आज मैंने यीशु को पा लिया है, अभी तक के आपने अपनी कमजोरी को देखा है ना, आज उस बलवंत खुदा को देखें, आज वो सामर्थी प्रभु को देखें, आज वो शक्तिमान हमारे खुदा को देखें, जो सामर्थी है, जो जिंदा है, जो जलाली है, जिसके शब्द से इस पृथ्वी की रचना हुई, ऐसे महान खुदा को देखें आज, डोंट लुक टू योर conditions, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू टुडे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डोंट लुक टू योर सिचुएशंस यू आर फेसिंग टुडे,
लुक बियॉन्ड द कंडीशंस, लुक बियॉन्ड द सिचुएशंस, अपने परिस्थितियों के आगे देखे, अपने परिस्थितियों के सामने देखे, परिस्थितियों को देखकर थम ना जाए, परिस्थितियों के आगे देखे और प्रभु को देखे, वो खुदावंत को देखे जो ये परिस्थितियों से कई बड़ा है। हालेलुया, री खंदारा रबा, री खुंदे रे बेशी खंदारा रबा। जितने लोग अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं, खुदा की सामर्थ उन पर उतर रही है, वो अभिषेक से भर रहे हैं, वो सामर्थ से भर रहे हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कितने लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। आप खुद देख लीजिए कितने लोग में प्रभु की शांति आ रही है, देख लीजिए। वो खुदा सामर्थ्य है, वो खुदा भय योग्य है, वो खुदा आपसे प्यार करने वाला है। आपके पाप को नहीं देखता, आपके हृदय को देखता है। री खानदारा रबा, री खुंदे रे बे शी खानदारा रबा। मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है। प्रभु की शिफा, शिफा चंगाई ले ले। मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, तेरी शिफा पाई है, तेरी शिफा पाई है, मैंने 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 शिफा पाई है। कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर, ईशु राज तूने अपनी जान देकर, मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से। री खंदारा रबा, री खुंदे रे बिशी खंदारा रबा। आज हमारे जीवन में ये जान क्यों है? क्योंकि उसने सलीब पर जान दी है। तेरे मार खाने से, यीशु राजा तेरे मार खाने से, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। ताली बजाकर आराधना करें प्रभु की। जी हाँ मेरे प्रियो, वो हमें शिफा देने वाला प्रभु है। जी हाँ, तूने वादा पूरा कर दिया है,
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। कितने लोगों को पाखरू से आज प्रभु ने भरा है, ये उसका वायदा है। जहां आप उसके नाम को आत्मा और सच्चाई से पुकारोगे, वो आपके बीच में जुमनिश करेगा। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, यीशुआ तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को मिलकर कहेंगे, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को, हालेलुया, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु राजा, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मिले मुझको रिहाई है, मिले मुझको रिहाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है। अपने सीने पर हाथ रख के शैतान को बताए, मैंने यीशु के नाम से शिफा पाई है, मैंने यीशु के नाम से चंगाई पाई है, मैंने यीशु को पाया है, यीशु 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 यीशु, पुकारे यीशु नाम को, यीशु 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 यीशु, पुकारे यीशु यीशु मेरा साथी यीशु है, यीशु यीशु मेरा रहबर यीशु है, यीशु यीशु मेरी शक्ति यीशु है, यीशु यीशु मेरा जीवन यीशु है, यीशु यीशु, पुकारे यीशु 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 यीशु, मेरी आदत यीशु है, मेरी सामर्थ यीशु है, मेरा जीवन यीशु है, मैं यीशु यीशु है, मेरा जीवन यीशु है, मेरी सामर्थ यीशु है, मेरी ओ मेरी हर बात में यीशु है, यीशु यीशु यीशु,
मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो होगा, यीशु कहता है। आज क्यों आप आंसू में हैं मेरे प्रियो? आज क्यों दर्द में हैं? क्योंकि यीशु के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। आंसू के साथ यीशु के पास आ जाए एक बार, आंसू के साथ उसके घुटनों पर आ जाए एक बार। दोबारा आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि वो आंसुओं को पोछेगा। हालेलुया। He will wipe away all your tears। जितने लोग यहां पर हैं, 134 लोगों ने कभी ना कभी आंसू बहाया है, उसमें से मैं भी एक हूं। जब यीशु के पास आ गए, दोबारा आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। हालेलुया। री खंदारा रबा री खोंदेरे बे शी खंदारा रबा। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, रत्ना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, रत्ना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। मिलकर कहें, सुन ले मेरी प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे प्रभु से मांगे, आशीष दे। अगर आप चंगाई चाहते हैं, खुदा की सामर्थ है। खुदा ने यह समय आराधना के लिए दिया है मेरे प्रियो। मैंने तो कह दिया था 2 मिनट पर, प्रभु ने समय बढ़ा दिया है। प्रभु ने समय दिया आपके जीवन में कि आपकी भूमि आज ऐसी तैयार हो जाए कि इसमें जो बीज बोया जाए वो 1000 गुना फल लाए। कितने गुना? 1000 गुना फल लाए। आज आप में से कोई अगर चंगाई को चाहते हैं, तो मैं जब कहूंगा तो कहें खुदा से चंगाई दे। आत्मिक चंगाई को भी मांग सकते हैं। यस, किसी ने सोचा आत्मिक चंगाई? आत्मिक चंगाई को भी ले सकते हैं। चंगाई दे। हालेलुया। चंगाई दे, आशीष दे। चंगाई दे यीशु के नाम से, रिहाई दे यीशु के नाम से, आजादी दे यीशु के नाम से, सब कुछ तू दे। सामर्थ्य है, वह योग्य है, मेरा प्रभु जिंदा खुदा। आशीष दे। छुटकारा दे। हालेलुया। री खंदारा रबा री खोंदेरे बे शी खंदारा रबा शी खोंदेरे बेबे।
The name of the Lord above all the names, to be praised, to be worshipped, to be lifted high. आइए प्रार्थना करेंगे हमारी आराधना खुदा को कबूल होने पाए। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी आपके सन्मुख आते हैं खुदा। हमारी आराधना का बलिदान खुदा आपके चरणों पर लेकर आते हैं। हमारी आराधना का धुआं आपके नथनों तक पहुंचने पाए। Let the flame of our worship reach to you, Lord Jesus. We pray, we pray, we pray. Father, we pray for more power, more anointing in our worship, Lord. Yes, Lord. We want to grow more deep in you. We want to be the movers and shakers of the world. खुदावंत प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर कीजिए प्रभु जी। हालेलुया रिखांदारा रबारी खोंदे रे पे। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने आराधना की, जितने लोगों ने कहा तू मेरे साथ है, जितने लोगों ने अपने बंधनों को तोड़ा है खुदावंत, वो आपके द्वारा कर पाए हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू लॉर्ड। फादर वी थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन इन आवर लाइव्स। फादर व्हेनेवर वी वर्शिप मोर, लेट अस बी मोर इन योर प्रेजेंस। आज हमारे जीवन में यीशु आपने शिफा दी है। आज का वचन खुलने से प्रकाश हो जाए, आज का वचन खुलने से जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। पिता परमेश्वर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, रोगी चंगी हो जाए। ओ पिता परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ आए, हमारे मिनिस्ट्री में खुदाबंद रिवाइवल आ जाए। रिखंदारा रबा रिखोंदेरे बे, एक एक के नाम से पिता परमेश्वर सबको ब्लेस होने पर। एवरीबडी बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Father, we anoint our speaker today. यीशु के नाम से हमारे वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मुख से एक एक शब्द प्रभु आपके शब्द होने पाए, एक एक वचन खुदा पवित्र आत्मा हमारे जीवन का आशीषित होने पाए। शैतान हमारी आशीष यीशु के नाम से कोई चुराने ना पाए। खुदा वी बी प्रोटेक्टेड अंडर योर विंग्स, वी बी प्रोटेक्टेड अंडर योर ब्लड। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्शिप। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, वंडरफुल फेलोशिप। Father, we bless the school of prophecy in the name of Jesus. Thank you, Father. We bless your holy name. In the mighty name of Jesus, we ask this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. What a wonderful thunder worship by the glory of God. और सच में बहुत ही अद्भुत आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब ने किया है। Shall we all clap our hands and glorify God? And thanks to my son, Dr. Victor Benjamin. आइए हम सभी जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और साथ साथ मेरे बेटे डॉक्टर विक्टर बेंजामिन को भी धन्यवाद देंगे। Everybody clap your hands and thank him. और सभी जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। How many have you been blessed by this evening worship? आप में से कितने लोग आज की शाम की आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं? Hallelujah. Hallelujah. It's a prophetical worship. ये एक भविष्यवक्ता की आराधना है। This is a powerful worship. ये एक सामर्थी आराधना है। This is a worship which bring the presence of God. एक ऐसी आराधना है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। Hallelujah. Hallelujah. It's not a time passing worship. और ये सिर्फ समय को गुजारने वाली आराधना नहीं है। But it is a time to bring the presence of God. परंतु ये वो आराधना है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर। Personally, I am blessed so much. और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। Hallelujah. Hallelujah. How many of you want to come back again? और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि डॉक्टर विक्टर बेंजामिन वापस हमारे बीच में आए? Hallelujah. Hallelujah. We have the last week, coming week, the whole week he'll be with us. और एक सप्ताह हमारे पास आखिरी सप्ताह बचा है और वो पूरा सप्ताह वे हमारे साथ रहेंगे। So please come exactly evening 7 o'clock. और इसलिए शाम को ठीक 7 बजे आप आइएगा। We will hand over him very soon. और जल्दी उन्हें हम जो है समय दे देंगे। So that we can enjoy the God's presence. ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा सके। Not good music, not good song, but we enjoy the good presence of God. Amen. और अच्छे गीत और अच्छे संगीत का नहीं, लेकिन एक परमेश्वर की अच्छी उपस्थिति का हम आनंद उठाएं। My son is anointed. Amen. Yes. और मेरे बेटे जो है वे अभिषिक्त हैं। And he is a son of a great man of God, Benjamin. और वे परमेश्वर के महान दास पास्टर प्रकाश बेंजामिन के बेटे हैं। And his mother and he has one son. और उनकी मम्मी है, उनकी पत्नी है, उनके एक बेटा भी है। And he has conducting
म्यूजिक अकेडमी, नेशनल म्यूजिक अकेडमी, वे राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजिक अकेडमी को चलाते हैं। इफ एनीवन वांट टू लर्न एनी म्यूजिक थ्रू ऑनलाइन, यदि आप में से कोई ऑनलाइन के माध्यम से संगीत बजाना या संगीत सीखना चाहते हैं, एनी म्यूजिक, कोई भी वाद्य यंत्र हो, कोई भी, प्लीज कॉन्टेक्ट माई सन, आप मेरे बेटे से संपर्क करें, एंड अदर्स यू कैन कॉन्टेक्ट विक्टोरिया, या फिर आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सो ये टाइम टू टाइम ये कंडक्ट है म्यूजिक सेमिनार, और समय पर समय वे जो है म्यूजिक सेमिनार्स को आयोजित करते हैं। Also, if you want to invite him for your church convention, any meeting, he is most welcome to come and enjoy and encourage you through his ministry. और साथ साथ यदि आप उन्हें अपने कलीसिया के सम्मेलनों में आमंत्रित करना चाहते हैं, जरूर से आप उन्हें आमंत्रित करें, वे बड़े आनंद के साथ आपके बीच में परमेश्वर की सेवा करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू माई सन विक्टर, वी आर सो मच blessed by your worship ministry. और मेरे बेटे विक्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी आराधना की सेवकाई के दौरान बहुत आशीषित हूँ। Especially daddy blessed so much than children. और विशेष करके बच्चों से ज्यादा पापा आशीषित हुए हैं। So I want your praise the Lord. Thank you. Yes, yes, Papa. Thank you. Yes. Coming week we want to expect you to allot the time to come and do the ministry. और आने वाले सप्ताह हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े, और वो समय हम आपके लिए ठहराएंगे, नियुक्त करेंगे कि आप हमारी आराधना में अगुवाई। We will be praying for you. और हम आपके प्रार्थना करेंगे। We will pray for your ministry. आपके सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। And God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। Shall we all once again clap our hands and glorify God? आइए फिर से एक और बार सभी जोरदार तालियां बजाकर सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। I take this privilege to welcome all of you in the name of Jesus. फिर से एक और बार मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। And we welcome you for the school of prophets. भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में आप सभी का स्वागत करते हैं। Today is the 35th day. आज हमारा 35वां दिन है। And praise God for a wonderful days we had last 35 days. और प्रभु की स्तुति हो कि पिछले 35 दिन सच में बहुत ही अद्भुत दिनों को हमने बताया है। And today is our great man of God. आज हमारे बीच में परमेश्वर के महान दास Prophet Dr. Ajay Minj. Prophet Dr. Ajay Minj. Before I go to hand over this mic to him. इससे पहले आगे का समय मैं उनके हाथों में दूं। Please do not forget. बिल्कुल मत भूलिएगा। Tomorrow is the holiday for the school of prophets. कल भविष्यवक्ताओं के विद्यालय की छुट्टी है। And but instead of छुट्टी we have a 3 service tomorrow through the Trinity Living Light Fellowship. और छुट्टी के बदले त्रिएकता जीवित ज्योति संगति कलीसिया की ओर से 3 ऑनलाइन आराधनाएं होने जा रही है। First worship morning 5 to 7. पहली आराधना सुबह 5 से 7 बजे तक। The second worship 10 to 1. दूसरी आराधना सुबह 10 से 1 बजे तक। And third worship evening 7 to 9. तीसरी आराधना शाम को 7 से 9 बजे तक। The seventh month is month of latter rain. सातवां महीना पिछली वर्षा का महीना है। So I want everyone, those are not joining, not going anywhere. इसलिए मैं चाहूंगा जितने लोग कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, you are most welcome to join tomorrow online service. The ID is as different, please take a screenshot of this pamphlet. आपका स्वागत करते हैं, कल आप हमारे साथ आराधना में जुड़ सकते हैं। कल की रविवार की आराधना का मीटिंग आईडी और पासकोड अलग है, आप इस हैंडबिल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कल आप हमारे साथ जुड़ सकें। मीटिंग आईडी इज माय फोन नंबर 9823288357. और जो मीटिंग आईडी है वो पापा का फोन नंबर है 9823288357। द पास कोड इज TLLF और इसका पास कोड है TLLF. Those who are willing to join tomorrow's Sunday online service, you are most welcome. The first service morning 5 to 7, second service 10 to 1, evening 7 to 9, all the 3 service Daddy will be preaching and teaching. और जितने लोग रविवार की आराधना में जुड़ना चाहते हैं आपका स्वागत है। कल सुबह 5 से 7 की पहली आराधना में, दूसरी आराधना सुबह 10 से 1 और तीसरी आराधना शाम को 7 से 9, तीनों आराधना में पापा ही परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, शिक्षाओं को देंगे। Every service will have the 2 messages. और हर आराधना में 2 संदेश दिए जाते हैं। Worship message. आराधना का संदेश होता then है। Then main message. उसके बाद मुख्य संदेश होता Please है। Please come and join, enjoy the Sunday whole day. जरूर से आइए, रविवार का पूरा दिन आनंद उठाइए। According to your convenience, आपकी सुविधा के अनुसार you can attend the 3 services. आप तीन आराधना में भाग मॉर्निंग 5 to 7, 10 to 1, इवनिंग 7 to 9. सुबह 5 से 7, सुबह 10 से 1, शाम को 7 से 9. Please do not forget. बिल्कुल मत भूलिएगा। From Monday we are entering the last week of School of Prophets. सोमवार से हम भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। Morning 7 to 10 we have a everyday morning regular teaching in the School of Prophets. सुबह 7 से 10 हमारे भविष्यवक्ताओं के विद्यालय की नियमित शिक्षा होगी। Evening everyday 7 to 10
डिफरेंट प्रॉफिट्स और हर दिन शाम को 7 से 10 अलग अलग भविष्यवक्ता हमारे बीच में रहेंगे. कमिंग वीक वी आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट प्रॉफिट डॉक्टर प्रॉफिट नवीन जोशी कमिंग वीक और आने वाले सप्ताह परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट नवीन जोगी हमारे बीच में रहेंगे. एंड ऑल्सो 31st इज द लास्ट डे ऑफ स्कूल ऑफ प्रॉफिट. साथ साथ 31 जुलाई हमारे भविष्यवक्ताओं का विद्यालय का आखिरी दिन होगा. एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए बिग कन्वेंशन थ्रू ऑनलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से एक बड़े सम्मेलन को हम आयोजित करने जा रहे हैं. ग्रेट प्रॉफिट माइकल फर्नांडिस ही विल बी विद अस ऑन सैटरडे 31st जुलाई और परमेश्वर के महान दास पास्टर प्रॉफिट माइकल फर्नांडिस 31 तारीख की जुलाई शाम को हमारे साथ में रहेंगे. इंटरनेशनल प्रॉफिट वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भविष्य डू नॉट फॉरगेट मत भूलिएगा. कमिंग वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे विद द लास्ट वीक ऑफ द 40 डे स्कूल ऑफ प्रॉफिट. आने वाला सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक भविष्यवक्ताओं के विद्यालय का आखिरी सप्ताह होगा. मे द लॉर्ड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. डू नॉट फॉरगेट मत भूलिएगा. टुमारो देयर विल बी नो क्लास बट इंस्टेड ऑफ क्लास देयर विल बी 3 ऑनलाइन संडे सर्विस. कल क्लासेस नहीं होगी, क्लास के बदले 3 रविवार की ऑनलाइन आराधनाएं होंगी. मॉर्निंग 5 to 7, 10 to 1, इवनिंग 7 to 9. सुबह 5 से 7, 10 से 1, 7 से 9 शाम. प्लीज ज्वाइन विद अस. जरूर हमारे साथ. गॉड ब्लेस यू. आपको आशीष दे. नाउ द टाइम हैज कम. अब ये समय आ गया है. हाउ मेनी आर सो हैप्पी. आप में से कितने लोग बहुत खुश हैं. Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ. Can I have your smile? क्या मैं आपके चेहरों पे मुस्कुराहट को देख सकता हूँ. Hallelujah! Hallelujah! Say Hallelujah! कहेंगे Hallelujah! Say Hallelujah! कहेंगे Hallelujah! What a great joy to have today the great man of God from Rourkela, Orissa. सच में बहुत आनंद की बात है कि आज के शाम राउरकेला उड़ीसा से परमेश्वर के महान दास हमारे बीच में है. A man A prayer. एक प्रार्थना के व्यक्ति हैं. A man who possesses with all the gifts of the Holy Spirit. और एक ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से परिपूर्ण. Very humble, simple, noble. और बहुत ही नम्र है, बहुत ही साधारण है, परंतु बहुत ही दीन परमेश्वर के दास. The biggest church in Rourkela. और राउरकेला में उनकी सबसे बड़ी कलीसिया है. Rourkela Prayer Fellowship International. राउरकेला प्रार्थना फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय. So from The School of Prophets. और इसलिए भविष्यवक्ताओं के विद्यालय की ओर से. Shall we all welcome Prophet Dr. Ajay Minj. हम सब स्वागत करेंगे प्रभु के दास प्रोफेट डॉक्टर अजय मिंज का. By clapping your hands. सभी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे. Now the time for the Prophet Dr. Ajay Minj. Shall we all clap our hands and welcome him. आगे का समय प्रोफेट डॉक्टर अजय मिंज के हाथों में है. आइए जोरदार ताली बजाकर उनका. Yes, Dr. Ajay, over to you. आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में हम देते हैं. Thank you, sir. Thank you. Hallelujah. 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 एक प्रार्थना करेंगे उसका शुरुआत करते हैं. Gracious Heavenly Father, we thank and praise the Lord. Blessed be the name above all names, Lord Jesus be the name. In thy name we come to thy throne of grace, Lord. Hallelujah. Amitne gaye aaj ki mahakaruna ka phal hai jo lagatar aaj 35 din mein parvesh pita school of prophet mein sahabagita ankita anugrah pradan kiya. Prabhu aap apne vachan ke dar se reveal kise aur apne vachan mein so kar ke baat cheet ki. Lord hame taiyar kare tere aatma ke dwara se kyunki parvesh pita aatma baatein karta hai. Parvesh pita un vachanon ke se baat cheet kise और जो बातें आपने डाला है उन्हीं बातों को कहने के लिए मदद कीजिए. परमेश्वर पिता न मनुष्य की इच्छा न सिर की इच्छा से पिता परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ फिर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से पाए आमीन. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि आज मुझे एक विषय दिया गया है. Why we speak in tongues. और पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय में जो लिखा है फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 उसका 2 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2 क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है. सो जितने भी जो प्रॉफिट्स या मैन ऑफ गॉड जितने सारे लोग हैं
अन्य भाषा एक साइन है, एक प्रॉफिट का चिन्ह है अन्य अन्य भाषा, क्योंकि यहां लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर तो धन्यवाद हो कि आज जितना अधिक आज कम्युनिकेशन का जमाना है, सब कोई तुरंत कोई भी चीज को कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, और अन्य भाषा एक माध्यम है, अन्य भाषा एक माध्यम है कि हम जहां भी रहें, जिस स्थान में भी रहें, जैसे भी रहें, हम परमेश्वर को संपर्क साध सकते हैं। इसलिए कि पॉल स्प्रेड कुरिन्थी मंडली को लिखता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, हम किसी मनुष्य से नहीं परंतु सीधा परमेश्वर के साथ में संपर्क साध सकते हैं। इसलिए जो प्रॉफेट होते हैं, जो प्रभु के भविष्यवक्ता होते हैं, मनुष्य से कम बातें करते हैं लेकिन परमेश्वर से अनेक समय बातें करते रहते हैं, क्योंकि नीचे कहता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें, यानी कि जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने अधिक परमेश्वर अपने भेद, अपना जो मिस्ट्री है, अपना जो जो गुप्त बातें हैं उसको रिवील करते जाएंगे। और एक प्रॉफिट को जरूरी होता है कि सबसे अधिक परमेश्वर से संपर्क साधे रहता है, परमेश्वर से अधिक बातें करता है, फलस्वरूप वो परमेश्वर के भेद की बातों को समझ सकता है जिसको वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से रिवील करता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा से बातें बातें करके बातें करते रहा, क्योंकि वर्तमान समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा से बातें करता है। बीते समय में भविष्यवक्ताओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करता है और उस बातों को रिवील करता है और वो उन बातों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन अब इस नए नियम में परमेश्वर अपने वचन के जरिए से हमसे बातें करते ही रहते हैं। इसलिए एक प्रॉफिट को चाहिए कि जितना अधिक वो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है उतने अधिक परमेश्वर की फेथ की बातों को प्रकट में लेकर के आता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है और आने वाले समय क्या बात होने वाली, उन सारी बातों को प्रभु भविष्यवक्ताओं के जरिए से, यानी कि अन्य अन्य भाषा जितना अधिक हम परमेश्वर से बातें करते रहते हैं तो प्रभु उन सारी बातों को भेद की बातों को प्रकट में लेकर के आते हैं। और भविष्य एक भविष्यवक्ता को एक प्रॉफिट को वो उसका साइन होता है अन्य अन्य भाषा। हम जानते हैं शामिल जब कर्मेल पहाड़ को जाता था वहां पर रह करके परमेश्वर से समय गुजारता था और जब वो परमेश्वर से कोई बातें उनको प्रकट हुआ करता था तो सीधा राजा के पास पहुंचाया जाता था और वो किसी थर्ड पर्सन या किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर जो बातें करता था उसी बातों को लेकर के राजा के पास पहुंचता था। इसलिए एक भविष्यवक्ता को चाहिए कि अधिक से अधिक समय परमेश्वर के उपस्थिति में, यानी कि अन्य अन्य भाषा में अधिक समय व्यतीत करें, प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर अपना फेथ की बातों को उनके माध्यम से प्रकट में लेकर के आते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो घटना घट रही है या फिर कोई व्यक्ति किसी बातों से संघर्ष कर रहा है भविष्यवक्ताओं के जरिए से वो सारी बातें रिवील होता है ताकि एक व्यक्ति अपने लाइफ को सुधार सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के दास आज एक अवसर दिया है और ये उसका बड़प्पन है। इससे पहले कि मैं वो मेरे को 8 बजे बोले थे लेकिन मैं अन्य एक जगह में था और एक भाई से लिप लिया और उस वक्त में मैं अन्य भाषा में बातें कर ही रहा था क्योंकि रास्ता इतना जाम था कि मैं 1 घंटा के बाद पहुंचता यहाँ, तब तक कि मेरा टाइम ओवर हो जाता, लेकिन प्रभु ने एक वो अपना अपना हथियार दिया है। उसी अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते 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 आए और प्रभु समय पर हमें इस जगह में ले पहुंचाए
ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए सच बता रहा हूं कि रास्ता इतना जाम, मैं यहां से 50 किलोमीटर दूर में था और प्रभु का उपस्थिति वो प्रेजेंस ऑफ गॉड ही है जो का हमें फिलिपुस को हम जैसे जानते हैं कि खोजा जब रास्ते में जा रहा था तो दौड़ते दौड़ते उसके संग में हो लिया जब तो घोड़ा में था और जब वो वहां से उनको बपतिस्मा देने के बाद वो अस्दोद में पहुंच जाता है। इतना भीड़ होने के बावजूद भी दोनों साइड लोरी लोरी बीच में छोटा सा जगह उसमें हो करके हम लोग एक भाई को लिफ्ट मांगे वो भी यहां से 20 किलोमीटर दूर में और वहां से फिर मैं आप लोगों के बीच में पहुंच पा रहा हूं और उस दौरान मैं केवल अन्य भाषा में ही बातें करते हुए आ रहा और कुछ नहीं जिससे कि मैं समय पर यहां पहुंच सकूं। और प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ पाया हूं। इसलिए एक प्रॉफिट का एक साइन होता है अन्य अन्य भाषा, इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन हुआ उस दिन 120 सन प्रभु के चेले लोग यरूशलेम मंदिर में थे और वे पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन अन्य अन्य भाषा बोलने वाले जो बोल रहे थे लेकिन जो सुनने वाले जो यरूशलेम में दुनिया के हर एक क्षेत्र से लोग वहां पर उपस्थित हुआ करते थे और वो बोल रहे हैं कि ये यहूदी होकर के ये हमारी भाषा कैसे बोल सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उनके लिए वो अपना भाषा हो सकता है लेकिन ये जो पवित्र पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा 120 सन के ऊपर उतरा वो उनके लिए अन्य भाषा था, वो उनके लिए अन्य भाषा था लेकिन जो लोग सुन रहे थे यरूशलेम मंदिर में जो थे वो उनके लिए अपना भाषा लग रहा था। इसलिए जब हम कई एक बार ऐसा होता है कि जब हम अन्य भाषा करते हैं बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं लेकिन भी हमको बोलना होता रहता है क्योंकि जितना अधिक हम अन्य भाषा में बातें करते रहते हैं उतना ही अधिक हम परमेश्वर के साथ में इंटरेक्शन के साथ में बना रहता है। आज हम जियो लगाते हैं नहीं लगता है लेकिन जितना अधिक हम अन्य भाषा में दुनिया के कोई भी जगह में कहां भी रहें किसी स्थान में भी रहें तुरंत हम परमेश्वर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु ने यह भाषा में दिया है कि हम अन्य अन्य भाषा में जितना अधिक क्योंकि पौलुस खुद कहता है मैं तुम सबों से अधिक अधिक अन्य अन्य भाषा में बातें करता हूं क्योंकि 18 में कहते हैं 14:18 में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। यही उसका कारण है जो परमेश्वर ने इतना सारा पत्री लिखने के लिए उनको मदद किया, इतने सारे वचन इतने सारे पत्री प्रकाशन प्रभु ने उनके जीवन में रिफील किया। इसलिए आज के तारीख में भी जितने भी प्रभु के भक्त हैं जितने भी प्रभु के भविष्यवक्ता हैं उनका सीक्रेट यही है, वो है टंग्स। वे निरंतर यही करने की परमेश्वर को रिवील जब गुप्त में रहते हैं रिवील करते रहते हैं और यही कारण है कि जब वो मीटिंग में जाते हैं तो किसी का अल्टर कॉल करते हैं, नाम के विषय में बताते हैं, किसी का लाइफ के विषय में बता देते हैं, ये ऐसा नहीं हो जाता। लेकिन जब वे परमेश्वर के हुजूर में घंटों समय व्यतीत करते हैं उसी का नतीजा उसी का प्रतिफल है कि परमेश्वर उनको मीटिंग में क्या होने वाला है, किस प्रकार के लोग आए रहेंगे, इनके जीवन में क्या परिस्थिति रहेगा, उन सारी बातों को परमेश्वर पहले से रिवील कर देते हैं। इसलिए आज ये स्कूल ऑफ प्रॉफिट जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से शिक्षाओं को प्राप्त करें और इन शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने सेवकाई के जिंदगी में पारिवारिक जिंदगी में यदि कुछ भी बातें हो हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के अभिषेक में परमेश्वर के सामर्थ में परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के हुजूर में जीवन व्यतीत करते हुए आने वाले समय के लिए हम प्रस्तुत कर सकते हैं, खुद प्रस्तुत हो और दूसरों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक भाषा दिया है। आज हम अपनी भाषा बातें करते हैं लेकिन हमारी भाषा में अनेक प्रकार की अशुद्धताएं पाई जाती हैं।
अनेक प्रकार की विषय पाया जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का भाषा होता है बिल्कुल शुद्ध हुआ करता रहता है, बिल्कुल शुद्ध। इसलिए कि जब हम जितना अधिक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा जो कॉन्साइंस, हमारा जो विवेक, हमारा जो सोच है वो बिल्कुल ही शुद्ध रहता है, ताकि जितने भी संसारिकता के बातें, जितने भी तनावपूर्ण बातें हैं वो हमको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से कि मुझे 8 बजे यहाँ पहुंचना है और मुझे यहाँ पर मीटिंग अटेंड करना है, जबकि मैं 1 घंटे दूर में था, लेकिन उसी अननोन टंग्स के कारण से जब फिलिपुस को जो खोजा को बपतिस्मा देने के बाद वो एक दूसरे के पीछे हो लेते हैं और अस्तोत में निकल सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य है जो अन्य भाषा के माध्यम से मुझे वहां से यहाँ तक समय पर सेफली पहुंचना पहुंचा पाया और मैं आप लोगों के साथ जुड़ने पाया हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ यही एक हथियार है, यही अन्य भाषा जो हर दिन हम लोग 2.5 घंटा हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अन्य भाषा में ही बातें करते रहते हैं, और इसी के प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से हमें रिवील करते हैं। और हर दिन आज भी जिस जगह में हम गए थे वहां पर अनेक अन्य जाति में से लोग आए हुए थे वचन में सहभागिता रखने के लिए, नए नए लोग आए हुए थे, और उसी का सीक्रेट है अन्य भाषा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, आज हमें एक भाषा दिया गया है, अन्य भाषा, जिसको जितना अधिक हम इस्तेमाल में लाएंगे उतने अधिक परमेश्वर अपना वेद की बातों को रिवील करते जाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि एक प्रॉफेट को अन्य भाषा में सबसे अधिक वो एक साइन, एक चिन्ह है, जो भी प्रभु के दास है, प्रभु के प्रॉफेट है, वो हमेशा से परमेश्वर के उपस्थिति में और खासकर वो टंग्स में उसका उनका वो सीक्रेट है, वो उनका उनका रहस्य है, जिनके फल स्वरूप वे अनेक बातों को रिवील करते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जो प्रभु के जो भविष्यवक्ता हुआ करते हैं यही उनका सीक्रेट है। और इसलिए प्रेरित पॉल खुद कहते हैं, मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बात करता हूं, और इसका फल स्वरूप हम देखते हैं परमेश्वर ने इतने सारे पत्री लिखने के लिए उन सारी बातों को उनको प्रोत्साहित किया, उनको रिफील किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जितने सारे स्टूडेंट्स हैं और जितने सारे प्रभु के जन हैं, आज उनका सीक्रेट यही है अन्य अन्य भाषा। और जब यदि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियंस उसका 2 कुरिन्थियंस उसका 12 अध्याय 2 कुरिन्थियंस उसका 12 अध्याय में 12 अध्याय chapter 12 2 कुरिन्थियंस chapter 12 उसका 2 से मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 2 कुरिन्थियंस chapter 12 verse 2 मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। जब पौलुस प्रेरित खुद इस बात को लिखते हैं 2 कुरिन्थियंस उसका 12 चैप्टर में, मैं तीसरे स्वर्ग में एक व्यक्ति को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे, लेकिन मैं वहां पर भी एक भाषा सुनी, एक ऐसी भाषा सुनी जो इतना शुद्ध हुआ करता है, ऐसी भाषा सुनी जिसको मैं अपने जुबान पे ला नहीं सकता, यानी कि कितना शुद्ध होने की हमको जरूरत है, कितना प्यूरिफाई होने की जरूरत है उस भाषा को क्या बोलने के लिए। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु अपने लहू से हमें खरीदा है, शुद्ध किया है और पवित्र किया है, और हमें धोया है अपने आत्मा के द्वारा से। आज इसीलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि ये भाषा हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम को हम देखते हैं 8 अध्याय में, सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए, और सामरी लोग वहां पर फिलिपुस के जरिए से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद
यरूशलेम से योहन्ना और पतरस को बुलाया गया ताकि वे उन पर हाथ रखे और प्रार्थना किए और वे सारे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक भाषा में दिया है। हमारी भाषा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां खमियां पाई जाती हैं, लेकिन जो प्रभु की भाषा होती है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां किसी प्रकार की खामियां नहीं पाई जाते हैं। लेकिन प्रभु अपना भाषा देता है, ये आत्मा की भाषा है। अन्य अन्य भाषा जैसे हम लोग ओडिशा वासी ओरिया कहते हैं, यूपी वाले हिंदी वासी हिंदी कहते हैं, महाराष्ट्र वाले अपना जो महाराष्ट्रीय भाषा है वो कहते हैं। इसलिए आत्मा की भाषा जो बोलते हैं वो अन्य अन्य भाषा में ही बातें करते हैं और आत्मा ही परमेश्वर के वेद की बातों को रिवील करता है, प्रकट में लेकर के। यानी कि जितना अधिक हम और आप अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने ही अधिक परमेश्वर अपने वेद की बातों को हमारे जीवन में रिवील करेंगे, हमारे जीवन में रिवील करेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा एक भाषा को उन्होंने दिया है। स्पीकिंग इन टंग्स मीन्स टू रिवील द सीक्रेट ऑफ गॉड। जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में रिवील करेंगे, उतना ही अधिक भविष्य में क्या क्या घटना घट रही है और किसी के जीवन में क्या घटना घट रही है वो सारी बातों को रिवील करेंगे। और केवल रिवील नहीं करेंगे, पुराने नियम में एक वचन लिखा है कि भविष्यवक्ता जो कहलाते हैं वे मेरे लोगों को वचन सुनाते हैं और वे अपने बुरे चाल से फिरते बोलकर के परमेश्वर का वचन लिखा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर ने स्कूल ऑफ जो प्रॉफिट जो आज 35 डेज है कि हम इन अंतिम समय तक में एक माइटी प्रॉफिट होकर के इस स्कूल से हम निकले और इस नेशन को हम सेट करें ताकि ये यीशु मसीह के आगमन से पहले ये धरती ये देश प्रभु यीशु मसीह में जीता जाए। और जिस तरह के सका हर एक घुटना झुकेगी, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए जितने सारे स्टूडेंट्स हैं यदि उन लोग का अन्य अन्य भाषा का समय यदि कम करते हैं तो उनको उस समय को और बढ़ाएं, क्योंकि जितना अधिक हम स्पीकिंग इन टंग्स जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने ही अधिक परमेश्वर अपना सीक्रेट को जो हिडन एजेंडा है उन सारी बातों को रिवील करेंगे। इसलिए हमको अन्य अन्य भाषा में अधिक से अधिक बोलने की जरूरत है। दूसरा, स्पीकिंग इन टंग्स मीन्स टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ गॉड। छुपी हुई बातों को, पहले तो भेद की बातों को सीक्रेट को, आप जो मिस्ट्री जो परमेश्वर का जो छुपी हुई बात है उन सारी बातों को परमेश्वर प्रकट में लेकर के आएंगे। स्पीकिंग इन टंग्स मीन टू रिवील द रिवीलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकाशन को। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन में जितना अधिक परमेश्वर का अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने ही अधिक परमेश्वर जो वचन लिखा गया उसका प्रकाशन हमारे जीवन उतने अधिक प्रकट करेंगे, उतने ही अधिक। आज जिस जगह में मीटिंग गया था अन्य जाति में से है, उन्होंने नए नए प्रभु को पाए तो उन्होंने कह रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं लेकिन याद नहीं कर पाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि इसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है, इसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है। तो जितना अधिक आप समझे चाहे नहीं समझे इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है जो इस बातों को समझने के लिए आपको सहायता करेगा। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा बोलते कुछ तो समझ में नहीं आता है, ये क्या बड़बड़ 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 बड़ कर रहा है। आप एक जनरेटर को देखिएगा, एक जनरेटर ओ भट 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 आवाज करता ही रहता है, लेकिन वो आवाज करता ही रहता है, वो भद्दा आवाज करता रहता है, लेकिन उसी आवाज जब बंद हो जाएगा इधर आपका चमक चमक वो बंद हो जाएगा, इधर आपका गाना बंद हो जाएगा, यहां तक कि आप हम लोग जो एक दूसरे का संपर्क साध रहे हो भी बंद हो जाएगा। वो जो लाइट, वो जो करंट, वो जो सप्लाई करता रहता है जिसके कारण से इधर रोशनी आ रहा है, जिसके कारण से इधर हम माइक्रोफोन से बातें करने पा रहे हैं, जिसके कारण से हम अनेक प्रकार की कार्य हम कर सक रहे हैं, लेकिन जो आवाज जो कर रहा है बट 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 उसका मतलब कोई नहीं समझता है। हो सकता है आप जब अन्य भाषा करते रहेंगे दूसरों इस बात को समझते नहीं,
यहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा बातें करना, वो किसी मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। आप किसी मनुष्य से बातें करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से जितना अधिक बातें करते जाएंगे आपको परमेश्वर उतने अधिक प्रकाशनों से, उतने अधिक भेद की बातों से, उतने अधिक मिस्ट्री से आपके लाइफ में प्रकट करने लगेंगे। यही है सीक्रेट। इसलिए जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करते जाएंगे उतने अधिक परमेश्वर मुझे और आपको अपना सीक्रेट को, अपना अपने भेद की बातों, अपने मिस्ट्री को, अपनी छुपी हुई बातों को रिवील करते जाएंगे। यही है कारण। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु आज अनुग्रह किया कि हम अन्य भाषा में, कुछ समय के बाद हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अन्य अन्य भाषा में बातेंगे, क्योंकि हम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करें। हो सकता है उस समय आप वो सब को समझते नहीं होंगे, डजंट मैटर, आप बोलते जाइए, समझे चाहे नहीं समझे, आप बोलते जाइए। वही बातें आप जब बोलते जाएंगे परमेश्वर अपने आप को रिवील करना चालू करेंगे, परमेश्वर अपने आप को रिवील करना चालू करेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। सीक्रेट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर भेद की बातें, गुप्त बातें जो प्रकट करेंगे हमारे प्राणों में, परमेश्वर जो गुप्त बातें हमारे जीवन में प्रकट करेंगे, जितना अधिक आप तो उस सीक्रेट ऑफ गॉड में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के बारे में वो गुप्त बातों को, परमेश्वर का गुप्त बातों को प्रकट करेंगे। केवल परमेश्वर के नहीं, दूसरा है मनुष्यों के विषय में, अबाउट मैन, मनुष्यों के विषय में परमेश्वर उसको रिवील करेंगे, मनुष्यों के विषय में मनुष्यों की बातों को परमेश्वर प्रकट करेंगे। और तीसरा है दुष्ट के विषय में भी रिवील करेंगे, दुष्ट की विषय भी जितना अधिक उसका प्लान, उसका पर्पस, उसका जो योजना, उसको आप समझ जाएंगे। आज ही मैं जब गया हुआ था, एक दुष्टात्मा से भरा हुआ जवान, वो उसका मुंह को ऐसा बंद करके रखा था, उस मुंह को बंद करके रखा था और कुछ नहीं बातें करता था। इससे पहले भाई लोग गए हुए थे प्रार्थना के, और मैं बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से बातें नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह से बातें कर रहा था। लेकिन टाइम्स में आने वास्तव में जितना अधिक उन्होंने बोलते गए, वो वहां से उस दुष्ट आत्मा को वहां से छोड़ करके चले गए। इसलिए जितना अधिक आप अन्य भाषा में बातें करेंगे, दुष्ट की जो भी सीक्रेट विषय रहता है वो सारी बातों को परमेश्वर रिवील करते हैं। इसलिए हर एक प्रॉफिट को चाहिए कि जितना अधिक हो सके हम अन्य भाषा में बातें करते रहे, जिसके प्रतिफल स्वरूप हम परमेश्वर के गुप्त बातों को समझ सकते हैं, मनुष्य की गुप्त बातों को समझ सकते हैं, यहां तक कि शैतान की गुप्त बातों को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, जितना अधिक हम परमेश्वर के अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने अधिक परमेश्वर अपना गुप्त बातों को हमारे प्राण में रिवील करें। दूसरा है मिस्ट्री, भेद की बात यहां हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट कुरिन्थियंस उसका 14 का 2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और सब कोई चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे भी बातें करें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातें करें, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से बातें करूं। और यही एक संपर्क साधने का एक माध्यम है, अन्य अन्य भाषा हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज कम्युनिकेशन का जमाना है, कितना जल्दी हो सके हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। परमेश्वर भी चाहता है हर एक जन से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, अपने आप को रिवील करे, अपना गुप्त बातों को प्रकट करे, लेकिन वो भी चाहते हैं कौन मुझसे सबसे अधिक मेरे से संपर्क साधता है, कौन सबसे अधिक मेरे से संपर्क साधता है। परमेश्वर उन्हीं को ही, हम जब इंसान होकर के हम उन्हीं को उन गुप्त बातों को प्रकट करते हैं जिसको हम भरोसा करते हैं, जिस जो हमसे जितना अधिक संपर्क में रहता है, जिसको हम भरोसा में ले सकते हैं, तो परमेश्वर भी
उन्हीं लोगों को अपना गुप्त की बातें रिवील करेंगे, मिस्ट्री की बातें रिवील करेंगे, जिन्होंने उसके साथ में अधिक से अधिक समय को व्यतीत करेंगे या फिर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से संपर्क साधते रहेंगे। कई बार क्या होता है, हम कंप्यूटर चलाते चलाते हमारा वीडियो को भी ऑन करते करते वायरस आ जाता है। क्यों वायरस आ जाता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो गया है इसके कारण वायरस आ जाता है। हम मनुष्यों की बातों को भी सुनते रहेंगे, इधर परमेश्वर बातों को सुनते रहेंगे, जिसके कारण से हम समझ नहीं आते हैं ये परमेश्वर बोल रहा है या मेरे मन की बातें बोल रहा है। लेकिन जब जब आप परमेश्वर से बातें करते रहेंगे, जब आप जितना अधिक अन्य अन्य भाषा में बातें करते रहेंगे, परमेश्वर का आवाज का तुरंत आप समझ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं और आप जानेंगे ये परमेश्वर बातें कर रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर का जो मिस्ट्री ऑफ गॉड में जो भेद की बातें हैं जो आत्मा में करता है वो है विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। दूसरा है परमेश्वर का योजना को जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में क्या है और परमेश्वर का उद्देश्य को समझ सकते हैं हम लोग। पर्पस ऑफ गॉड, यानी कि जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतना अधिक परमेश्वर अपना इच्छा को उन्हीं को प्रकट करेंगे जो उससे कम्युनिकेट करते रहते हैं, उन्हीं को संपर्क में बताते संपर्क में रहेंगे जो उससे अधिक जितना अधिक वो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है। इसलिए जब भेद की बातें जो मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री ऑफ गॉड, जो जितना अधिक अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर का मिस्ट्री यानी कि परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का उद्देश्य को समझ सकता है, परमेश्वर का उद्देश्य को समझ सकता है। और कई बार क्या होता है, आज यही का कमी के कारण से हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते, उसका योजना को नहीं समझ सकते और उसका प्लान को भी नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं ये मेरा इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अन्य अन्य भाषा मुझे और आप दिया है। आप ताता राबा में मत रहिए, एक छोटा बच्चा खले पा 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 मा मा वो बोलता है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी को हम बोलेंगे बातें कर रहे हैं। आप जब शुरुआत करेंगे उस टाइम आपको भी समझ में नहीं आता रहेगा ये क्या है बोल रहा है, फिर आप दिमाग लगाएंगे अपने भाषा में प्रार्थना करेंगे, फिर और बोलते बोलते धन्यवाद दे देते रबा बा 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 होते रहेगा, फिर आप और दिमाग लगाएंगे और नहीं। एक छोटा बच्चा जब बातें करता है अपने मम्मी पापा से माँ बाप इतना खुश हो जाते हैं कि देखो बोलने लगा, देखो बोलने लगा, और उतने तक में हम सीमित नहीं तो बोलते माँ बोलो बेटा माँ पापा। इसी तरीके से आपको और मेरे को भी उसी तरीके से अन्य अन्य भाषा में बातें करते रहना होगा, करते रहना होगा। जो दो चार शब्दों को लेकर के हम बातें करते रहे तो उतना काफी नहीं है, इतनी सारी भाषा है, इतनी सारी भाषा है कि हम उन भाषाओं से हम प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहेंगे और भी करते रहेंगे और भी करते रहेंगे, जितना अधिक हम करते रहेंगे परमेश्वर अपना प्लान को हमारे जीवन में प्रकट करते रहेंगे, परमेश्वर अपने योजना को मेरे जीवन में आपके जीवन प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। इसलिए अन्य अन्य भाषा में बातें करना इतना अनिवार्य है। और खासकर एक प्रॉफेट का, एक जो भविष्यवक्ता का ये साइन है अन्य अन्य भाषा, ये साइन है। हम जितने भी प्रभु के बड़े बड़े दासों को हम सुनते हैं, जितने भी बड़े परमेश्वर के महान महान दासों को हम सुनते हैं, आप यदि आर्क बिशप डॉक्टर एलिसा को पूछेंगे तो उसका मिस्ट्री वही बताएंगे, ये अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, क्योंकि अन्य अन्य भाषा में। और आज यदि आज हमारे सकाई के यदि पूछेंगे हम उसी महामिस्ट्री बोलेंगे अन्य अन्य भाषा। परमेश्वर यहां तक सेवकाई को लेकर के पहुंचाए हैं, वो उसका भेद है अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, क्योंकि जब अन्य अन्य भाषा हम जितना अधिक करते रहते हैं परमेश्वर का प्लान को समझने लगते हैं, और जब हम परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हम काम करने लगते हैं उसमें सक्सेस होता है, उसमें सफल होते हैं और उसमें फेलियर नहीं होते हैं। आज जहां जिस जगह में हम गए थे, आज
वहां पर 200 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। और आज फिर से उन्होंने आज उस सेवकाई को वो जंगल में उन लोग बोले कि हम लोग को सेवा देने के लिए कोई नहीं है, हम लोग प्रभु को तो पाए हैं लेकिन हम लोग को वहां सेवा देने के लिए कोई नहीं है, क्या आप लोग सेवा देंगे? हमने कहा बिल्कुल जरूर देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग प्यासे हैं, लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। आज इसलिए जितने जो प्रॉफिट ये स्कूल ऑफ प्रॉफिट में ज्वाइन किए हैं वे सारे लोग जब कंप्लीट हो जाएगा आप चुपचाप मत रहिए सर्टिफिकेट को लेकर के, उसे कुछ होने वाला नहीं है। जितने शिक्षा प्रभु के दासों के जरिए से दिया जा रहा है उसको हम काम में लेकर के आए, उसको हम लेन देन करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज आज जो सेवकाई ट्रुथ यूनिवर्सिटी के जरिए से और ट्रिनिटी लिविंग लाइफ मिनिस्ट्री के जरिए से बिशप डॉक्टर एलिसा जी के जरिए से डॉक्टर ग्रीनरोज के जरिए से जो शिक्षा में प्राप्त हुए उसी के नतीजे हैं और उसी के जो सिखाए गए हैं उसके काम में जब हम लाने लग रहे हैं, परमेश्वर एक अलग प्रकार के वचन का प्रकाशन में, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार में, अभिषेक में, सामर्थ में, सारी बातों में हम और अधिक इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और सेवकाई के क्षेत्र और भी बढ़ते जा रहे हैं। आज होल वीक इस सप्ताह पूरा होल वीक हम लोग अनेक प्रकार के जगह में जा करके वचन की सेवकाई देने पाए हैं। आने वाला हफ्ता भी पूरा पूरा आज उसका मुख्य विषय है, हम लोग जो हर दिन अपने कलीसिया में हर दिन 2 से 2.5 घंटा हम लोग अन्य अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते रहते हैं और उसी बात में परमेश्वर रिवील कर रहे हैं कि अनेक अनेक गांव सबको डोर्स ओपन कर रहे हैं, जो गांव में जाकर हम परमेश्वर का वचन को पहुंचाए जा रहे हैं। लास्ट वीक हम एक झारखंड गए थे, वहां पर पुलिस महकमा आए और वहां पूछ रहे कि आपको पता नहीं है कि आप लॉकडाउन है आपको जेल हो जाएगा। हमने कहा सर हमको पता नहीं है झारखंड का क्या स्थिति है लेकिन हम उड़ीसा में तो हम खुल करके आराधना करने पा रहे हैं, लेकिन भी हमने परमेश्वर के उपस्थिति में रह करके 5 बजे 2 बजे पुलिस महकमा आए हुए थे और 5 बजे तक हम वहां परमेश्वर का वचन का सेवा दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर जो अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं हम उतने अधिक परमेश्वर का बल को लेते रहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लेते रहते हैं ताकि हम बड़ी याव के साथ परमेश्वर का वचन को हम प्रचार कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए अन्य अन्य भाषा एक सामर्थ्य हमारे लिए एक 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 एक, एक, एक हथियार है जिसको हम जितना अधिक हम इस्तेमाल में लाएंगे, जितना अधिक हम इस्तेमाल में लाएंगे उतने अधिक आप परमेश्वर के विषय को जान सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे स्पीकिंग टंग्स मीन्स टू रिवील द रिवेलेशन ऑफ गॉड। जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने अधिक परमेश्वर का प्रकाशन, उतने अधिक परमेश्वर उस प्रकाशन को हमारे जीवन में देंगे। प्रकाशन में रिवेलेशन ऑफ गॉड में प्रकाशन के बातों में 3 प्रकाशन हम लिखेंगे, विजडम ऑफ गॉड, विजडम ऑफ गॉड, दूसरा है नॉलेज ऑफ गॉड और तीसरा है डिजर्निंग ऑफ गॉड। विजडम ऑफ गॉड में परमेश्वर की बुद्धि, विजडम ऑफ गॉड में हम बीता हुआ बातों को हम बता सकते हैं, बीते हुए समय में जो जो घटना घटी है उस बातों को हम बता सकते हैं। और नॉलेज ऑफ गॉड में परमेश्वर का ज्ञान में जो प्रेजेंट स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति क्या किस स्थिति में आप गुजर रहे हैं उन सारी बातों को हम रिवील प्रकट में लेकर के आ सकते हैं, प्रकाशन में लेकर के आ सकते हैं। और तीसरा है डिजर्निंग ऑफ गॉड, यानी कि फ्यूचर में क्या क्या घटना घटने वाली है उस विषयों को परमेश्वर उस रिवेलेशन में लाएंगे, प्रकाशन में लेकर के आएंगे। यानी कि आप जितना अधिक मैं और आप अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे, बीता हुआ कल के विषय में हम जानेंगे, वर्तमान समय का स्थिति को भी हम जान सकते हैं और भविष्य की स्थिति को भी हम बता सकते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपने मेरे को एक अनुग्रह दिया कि आपके साथ में रह करके इन सारी बातों को मैं खुद सीखा हूं और उसको जब मैं काम में लेकर के आता हूं और उसी को मैं आप सबों के बीच में बता रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अनुग्रह किया कि आज जितना अधिक आप अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे उतने अधिक परमेश्वर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मनुष्य के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं सकते हैं मैं नहीं जानता हूं,
लेकिन आप परमेश्वर के साथ में उतने अधिक संपर्क साध सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसका नतीजा ये होगा परमेश्वर अपना अपना सीक्रेट को आपको बताएंगे, और केवल सीक्रेट को बताएंगे बात नहीं, परमेश्वर अपना मिस्ट्री को, परमेश्वर अपना मिस्ट्री को आपको बताएंगे, प्रकट कर लेते हैं, और तीसरा है परमेश्वर अपना प्रकाश, यानी कि जितना अधिक आप परमेश्वर के अन्य अन्य भाषा बातें करने लगेंगे, परमेश्वर अपना प्रकाशन आपके जीवन में उतना ही अधिक प्रकट में लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अन्य अन्य भाषा का इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस में जो अन्य अन्य भाषा का जो इंपोर्टेंस है उस इंपोर्टेंस में आप लिख लेंगे, फॉर द रिवेलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन और परमेश्वर का सामर्थ का प्रगटीकरण, द इंपोर्टेंस, उसका जो इंपोर्टेंस है, जितना अन्य अन्य भाषा का जो इंपोर्टेंस है, हमने शुरू में देखा जो स्पीक इन टंग्स का मीन्स उसका उसका माने को समझे, आप जो देख रहे हैं इंपोर्टेंस अन्य अन्य भाषा में, द इंपोर्टेंस ऑफ द अननोन टंग्स, उस इंपोर्टेंस में पहला है अन्य अन्य भाषा का महत्व में पहला है फॉर द रिवेलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के लिए, दूसरा है परमेश्वर का सामर्थ प्रगटीकरण होने के लिए, उसका इंपोर्टेंस अन्य अन्य भाषा का इंपोर्टेंस में, दूसरा है जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में जितना अधिक हम बातें करते जाएंगे परमेश्वर का सामर्थ उतने ही अधिक हमारे जीवन में प्रगटीकरण होंगे, तीसरा है जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में, क्योंकि यहां पहला कुरिन्थ में लिखा है 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थ 14 अध्याय का 3 में कहते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति के बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, यानी कि जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में बातें करते जाएंगे हमारा व्यक्तिगत जीवन में उतने अधिक हम आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में और सांसारिक क्षेत्र में हम उन्नति करते जाएंगे, जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते जाएंगे हमारा व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक क्षेत्र में भी वचन का प्रकाशन और बुद्धि की बातें, समझ की बातें, ज्ञान की बातें उतने अधिक प्रकट होने लगे, इसलिए जितना अधिक अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं, 3 बातें हमने बताया कि फॉर द रिवेलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के लिए, और दूसरा है परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकटीकरण, और तीसरा है व्यक्ति के जीवन की उन्नति के लिए। और थर्ड, तीसरा हम देखते हैं तीसरा में हाउ टू स्पीक इन टंग्स, हम किस तरीके से अन्य अन्य भाषा बात कर सकते, इन फेथ, विश्वास के साथ में आप बाय फेथ, जब एक प्यासा को प्यास लगता है, यदि हम उसको प्यासा का एक कटोरा खाली पानी देंगे और वो पकड़े रहेंगे, वो प्यास नहीं जाएगी, उसको उस कटोरे को लेकर के, उस ग्लास को लेकर के अपने मुंह में उसको पीना पड़ेगा। आप जब अन्य भाषा की बातें कह रहे हैं तो अन्य भाषा में आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा, आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा, बाय फेथ कुछ आता है चाहे नहीं आता है, ताता राबा बाबा बाबा बा करते जाइए, मुंह खोलते हुए करते जाइए, बोलते जाइए। देखिएगा उसके बाद किस तरह के साथ स्पष्ट रीति से बोलने चालू कर देंगे। दूसरा है
थ्रू वर्शिप चित्राधिक आप आराधना करेंगे, चित्राधिक आप आराधना करेंगे अन्य अन्य भाषा में, चित्राधिक आराधना करते जाइए। अभी हम लोग करेंगे और अभी खत्म होने वाला है। जितना अधिक हम आराधना अन्य अन्य भाषा में आराधना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे। और तीसरा है परमेश्वर के दासों के हाथ रखने से, बाय ले हैंड्स, जो बुक ऑफ एक्ट्स में हमने देख रहा था 8 अध्याय में कि फिलिपोस जब परमेश्वर का वचन को प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, लेकिन उन्होंने यरूशलेम को खबर दिया कि अन्य जाति लोग भी, सामरी लोगों ने भी परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया है। वहां से पात्रस और यूहन्ना आए और उनके ऊपर हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो या जितना अधिक मैं और आप अन्य अन्य भाषा हम बातें करेंगे, स्वर्ग को धरती में लेकर के आएंगे। जितना अधिक परमेश्वर अपना अपना योजना को रिवील करेंगे, अपना अपना मिस्ट्री को हमारे बीच में प्रकट करेंगे, उसकी इच्छाओं को हम जान सकते हैं, उसकी योजना को हम पूरा कर सकते हैं और उसका उद्देश्य के लिए हम तैयार रह सकते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अनुग्रह किया कि इस समय में मैं आप लोगों के बीच में इन सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। लदी नमस्तो फ्रेंड नमस्तो रिया लबादुश लेडे बाउ सच कमा रखा तू संदा बारा कटा सलाला मिलांदा बार रूस सकता बार रूस सकता बार रखा तू संदा रबा लिदा बशी द ब्रास से ब्रूस सता मरा लेचे के ब्रूस अस्पलिया लबा लोडे मर रखे चे रेंडे बारा सुधु ब्रोका चे मरास लो Amen. Let's just open your mouth, Jesus, Karabaraba. It about Sade. Well, let him show to call Relaba, who sent Akaba. Lead the Bahusa Reba Lassa Karea. Lead the Namasu Re. Let the Masokoro, Sekere, Risakaro, Sekero, Sekara, Risakaro, He Rababa. Hey, Yalama Lushandaraba. Wala dana mas shandara baraba, wala dana mas shukuriyan dana mas Lord, veranda dana mas duriya labade, ala dana mas sakariya raba ba, rekatu santa barakatusa, lede basanda barakatusa, lede isabere. Rei sakara baraba, revei sola, resei rabanusa jakara, lede bausa da barakatusa andaraba. Come on. Hallelujah, just to stand up. Lede sakara baraba, lede bausa andaraba baraba, lede bausa kara baraba. Salve stand up, baruta kala bara, lede bausa da barakatusa, lede bausa andaraba baraba. Agne Lord, I am with the name. Rei sakara. In the name of the Lord, Irabado Shandara Barbaraba, Irabado Shakada Barusa, Lerabo Shakada Barusa, Regana Sokuriaba, Aglo, let that burning fire, Lord, let that burning fire, let the holy fire, Yellow Mouse Sharabara, Rebede Sagarabarbi, Rebanda Master Berbi. Ribandanama. Come on, God's people. Come on. Ribandanama, sister law. Ribadabo Shagar Barbi. Let the bow Shagar Baraba. Alabado Shagar Baraba. Let the bow Shagar Baraba. Isaiah Bosat Maketalo. Book of Isaiah 28 Maketa. Wato in Logonko, Padesi Hoto, Arbidesi Pasa, Balonke Dwarase Bate Geregalabado Shagar Baraba. Our Santi Usesame Prato de law. Did the bow Sastriandanamaslo. Well, under the mouth sat on the Barakai. In the name of the Lord, 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 in the name of the
व्यक्तिगत जीवन में नया लॉर्ड, व्यक्तिगत जीवन में नया लॉर्ड, श्रद्धा क्षेत्र में नया लॉर्ड, रिबादा नमस्कार बर्बे, रिबांदा नमस्कार बर्बे, नत बोशकर बर्बे, बोशकर बर्बे, बोशकर बर्बे, बोशकर बर्बे, बोशकर बर्बे, नत बोशकर बर्बे, बोशकर बर्बे, शकर बर्बे, बोशकर बर्बे, शकर बर्बर बर्बे, बोशकर बर्बर बे, बोशकर बर्बर बर्बर बा, रेकेंदा नमस्कार बर्बे, नत बोशकर बर्बा
Thank you and be God bless you, Lord. Hallelujah. That the motion tenema dulusus the Lord. Anugura paranugura. Rodinemus to rent and amasus the Lord. Anugura paranugura, Lord. Lord, I could you run for this. Lord, Shataiko can which you run for this. Lord, a new level for Lord. Hallelujah. A new level, Lord. Hallelujah. Lord, sorry, so I checked Hallelujah. Our sorry, Victor, a tune for this. Lord, a new level, Lord. A new level, Lord. Hallelujah. Lord, higher and higher for this. Lord, Joe, Kawa, the Bad Jotin, Rose, Naya, Fal Prakar, the Sang, Lord. Our which you run for Ranger for this. Lord, which you run for this. Which you run for Ranger, Lord. Rose, Naya, Fal Prakar, the Sang. Lord, Bal Isle, the Sata, Yam, which you run for Sakna, Lord. Lord, Unsari Baton, Purani Baton, Pichil, Baton, the Chor, cut away. I'm which you run for Nakili. Yes, Lord, I'm which you run for Nakili, Lord. Will a Nelkutuma, will a Nelkutum in England. Nail good to Kudama, yes, when the real will let any good to my name. Will a Nalu will never rule them up. Will a nail good to be linked and will not bring the Mama. Will a Nalu good to Kudima to will him. Lord, you are his sister, Shoah, Wahti, Mazus, the Rabbidu, Sister Lord. And about the school of prophet Clay, the last service of Dr. Laisha Clalaviga, our Trinity Living Life Fellowship Clalaviga, Saras of Kai Clay Lord. All nine acres lands, clay law, sorry, finance, clay for base with us, sorry, need scope, Lord, Ramar Magnus, Babis, Batate, Lord, Roman Aids, me, Jinan up neck with the Putra Rakne Choda, Uske Sariar, sorry, Bustan Kokarne dega, for base with us, Abne already did the air for base with us, Lord, Japi. हां परमेश्वर इजराइलियों को 400 साल तक तूने बाहर लेकर के गए और मिस्र देश के बंधुआ में लेकर गए लेकिन 400 साल के बाद भी उनको फिर से उस देश को उनके हवाले कर दिए परमेश्वर का और उन शत्रुओं को निकाल करके उस देश का अधिकार उन्हें करा दिए परमेश्वर का और चाहे विलंब भी क्यों ना हो चाहे परमेश्वर का Lord, us 9 acres land ko, to apne daasok already de chuke is baat mein dhanyavaad dete hain. Jadi vilam bhi hoga, to bhi nischit roop se apne de diye hain. परमेश्वर पिता आप फायदे का परमेश्वर लो आप वाचा का परमेश्वर लो आज भी तुझे स्मरण है परमेश्वर पिता जो वाचा जिस प्रतिज्ञा को तूने किया है और जिस व्यक्ति को तूने दिया जिस लाइन को तूने दिखाया है तो उस लाइन को देने वाला भी आप ही है परमेश्वर पिता दिखाने वाला परमेश्वर आप है उसका सारा लॉर्ड जीसस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नीड्स जो भी है उसको भी फुलफिल करने वाला परमेश्वर आप है लॉर्ड आप ही प्रभु लॉर्ड यू आर द गॉड ऑफ एबिलिटी लॉर्ड हालेलुया आप परमेश्वर आपका हुजूरी आपको उपस्थिति सारे नीड्स को पूरा कर सकता है लॉर्ड आमेन आपका उपस्थिति इसलिए जितना आवे आपका हुजूरी हमारे जीवन पाई चाहिए उतने जल्दी और उतने अधिक इस तरह अपना अधिकार ले सकते हैं यस लॉर्ड नाउ ग्लैन ले हेमणि कर साथ में आने वाले समय के लिए और भी परमेश पिता को अपने दास को लिफ्ट अप कीजिए लौट और भी दानों से वरदानों से अभिषेक से ज्ञान से बुद्धि से गुड हेल्थ से फिनांस से सारे चीजों से लिफ्ट अप करने का धन्यवाद देते हैं परमेश पिता लिफ्ट अप करने का धन्यवाद देते हैं और सारे लोगों को एक्सटेंड हैंड करके परमेश पिता और उनके मधातों को मजबूत करने के लिए सर परमेश्वर काय को हाथ इस दे इस पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए आलोड़ गया लॉर्ड एंड ऑफ दिस अर्थ तक ले जाने के लिए जो सेवा तूने दे उसको हाँ परमेश्वर पिता पूरा करने के लिए हम सबों को तुम सागर में सहायक के तने रखा इसके धन्यवाद देते हैं आप कंधे से कंधे मिलाकर के सेवा का काम को अंजाम तक पहुंचाने से काल गया ताकि इस मसीह के आगमन से पहले यह देश प्रभु का देश के रूप में छाना जाए लॉर्ड ये देश आई वर्शिप से भरा पड़ा हुआ है वो सारे देश हर घुटने झुकने लगे हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है प्रभु है लॉर्ड आज हमें बोलने की जरूरत है लॉर्ड आज हमें घोषणा करने की जरूरत है लॉर्ड आपने घोषणा करके करके सृष्टि को बना दिया लॉर्ड जो दिशाहीन था उसको दिशा दे दिया लॉर्ड का जो मूव नहीं कर रहा था उसको मूव करा शबालबार दिन नमाज सका को बोल के और ये बोल के लॉर्ड हम बोल के परमेश्वर पिता इस देश को प्रभु का देश में परिवर्तित कर सके आमेन
हाँ परमेश पिता आपने अनुग्रह किया है आज इस भूमि पर हम खड़े हैं परमेश पिता लॉर्ड इस देश में हाँ परमेश के सत्य परमेश के गवाही देने सके लॉर्ड लॉर्ड 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में पाए जाते हैं और इस देश में रह करके सेवा करने का अवसर तुमने दिया है परमेश पिता लॉर्ड आज इस वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड मिस्टर डॉक्टर लीसा के लिए धन्यवाद देते हैं हाँ विक्टोरिया के लिए धन्यवाद देते हैं चीन के लिए धन्यवाद देते हैं हालेलुया और जो दिन आप हाँ परमेश बिना रुके बिना थके और उस परमेश के आत्मा में होकर के हालेलुया उस अभिषेक होकर के लॉर्ड आज इस सेवा को पूरा करने की मदद के लिए धन्यवाद देते हैं इसका जो भी नीड्स है जो भी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से फुलफिल किया है लॉर्ड जब तक हम आने वाले समय नहीं मिलते हैं और भी हम प्रार्थना में स्मरण करें और धन्यवाद देना ना भूले परमेश सारे स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद देते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सारे तेरे दास दास के लिए सारे भविष्यताओं के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड सारे सुखाय के धन्यवाद देते हैं आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ सेवा का काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सके लॉर्ड धन्यवाद देते हैं परमेश पिता अब तक उन सारी बात स्थिर क्या है आगे के जीवन को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हुए या प्रार्थना में उद्धार करता पुनरुत्थे प्रभु यीशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन यस Shall we all clap our hands to the prophet Dr. Ajay Minch? आई हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु के दास भविष्यवक्ता डॉक्टर अजय मिंच को धन्यवाद देंगे. What a great joy the way that he taught us about why we have to speak in tongues. सच में कितनी आनंद की बात है बहुत ही अद्भुत तरीके से आज उन्होंने हमें पढ़ाया कि क्यों हमें अन्य अन्य भाषा बोलना है. What was the subject today? आज उनका विषय क्या था? Speaking in tongues. अन्य अन्य भाषा में बोलना. In that subject, उस विषय में he taught us three secrets. उन्होंने तीन रहस्य आज हमें सिखाए हैं. Number one, पहली बात, the importance of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का महत्व. Number two, दूसरी बात, the meaning of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का अर्थ. Number three, तीसरी बात, how to speak in tongues. कैसे अन्य अन्य भाषा बोलना है. How many of you are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं. How many of you received? आप में से कितने लोगों ने आज प्राप्त किया है. A great man of God, Dr. Prophet Ajay Minch taught you three things. और परमेश्वर के महान दास डॉक्टर अजय मिंच ने आपको तीन बातें आज सिखाई. The importance of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का महत्व. The meaning of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का अर्थ. The method of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का तरीका. What are the three importance? वो तीन महत्व क्या है? Number one. पहली बात. The revelation of the word of God. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन. Number two. दूसरी बात. The demonstration of the power of God. परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण है. Number three. तीसरी बात. Not only revelation. ना केवल प्रकाशन डेमोन्स्ट्रेशन ना केवल प्रगटीकरण एंड थर्ड इज द कम्युनिकेशन विद गॉड तीसरी बात ये परमेश्वर के साथ एक संपर्क एक वार्तालाप दीस आर द थ्री इंपॉर्टेंट व्हिच वाज टॉट बाय प्रॉफेट अजय मिंच और ये तीन महत्व प्रॉफेट अजय मिंच के द्वारा आपको सिखाया गया है टॉट अस फिर उन्होंने हमें सिखाया द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग टंग्स अन्य अन्य भाषा में बोलने का अर्थ क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग टंग्स अन्य भाषा बोलने का अर्थ क्या होता है नंबर वन पहली बात स्पीकिंग टंग्स इज अन्य भाषा बोलने का अर्थ है इट्स अ Speaking in the spirit. आत्मा में बातें करना. That is called speaking tongues. उसे कहते हैं अन्य अन्य भाषा बोलना. A man who speak in spirit is speak in tongues. जो व्यक्ति आत्मा में बातें करता है वो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है. What is another meaning? और दूसरा अर्थ क्या है? The meaning of speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलने का अर्थ है. Speaking in secrets. रहस्य में भेदों में बात करना है. That is a second meaning. ये उसका दूसरा अर्थ. Third meaning what he said. तीसरा अर्थ जो उन्होंने कहा. Speaking tongues. अन्य अन्य भाषा बोलना. Speaking in power. सामर्थ में बोलना है सामर्थ में बात करना है स्प्रिट आत्मा में बात करना है सीक्रेट भेद और रहस्य एंड पावर और सामर्थ्य A man who speak in tongues. एक व्यक्ति जो अन्य अन्य भाषा बोलता है He speaks power. वो सामर्थ्य में बात करता है स्पीक पावर और सामर्थ्य बोलता है सामर्थ्य सामर्थ्य में नहीं सामर्थ्य बोलता है आत्मा बोलता है और गुप्त बोलता है हालेलुया हालेलुया When you speak in tongues, जब आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं इट मीन्स इसका अर्थ ये यू आर स्पीकिंग इन स्पिरिट आप आत्मा में बात यू आर स्पीकिंग इन सीक्रेट आप रहस्यों में बात कर रहे हैं यू आर स्पीकिंग इन पावर आप सामर्थ्य में बात कर रहे हैं नाउ आवर प्रॉपर वॉज स्पीकिंग और इस समय हमारे भविष्यवक्ता बोल रहे थे आई वॉज नोटिंग यू वॉज स्पीकिंग सेवन लैंग्वेज और मैंने ध्यान दिया कि लगभग सात भाषाएं वे बोल रहे थे ही वॉज स्पीकिंग
my tongue also. और मेरी भाषा भी वो बोल रहे थे. He was speaking in Tamil. वो तमिल में भी बोल रहे थे. He was speaking in Telugu. वो तेलुगु में भी बोल रहे थे. He was speaking in Urdu. उर्दू में वे बोल रहे थे. He was speaking in Arabic. और अरबिक में वे बोल रहे थे. Madana si atuna kalada. He was speaking all the languages. वे सारी भाषाओं को. He was enjoying. और वे आनंद उठा रहे थे. Finally, God revealed. और आखिरी में परमेश्वर ने प्रकट किया. About the school of prophets. भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में. About the 9-acre land. 9 acre जमीन के बारे में. My dear children. मेरे प्यारे बच्चों. When you speak in tongues. जब आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं. You're speaking in spirit. इसका मतलब है आप आत्मा में बातें कर रहे हैं. Speaking in secret. आप रहस्यों में बात कर रहे हैं. Speaking in power. आप सामर्थ्य में बात कर रहे हैं. You know the secret. क्या आप ये रहस्य जानते हैं? When you speak in tongues. जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं. Devil is confused. शैतान गड़बड़ी में पड़ जाता है. He is confused. और वो दुविधा में पड़ जाता है. उसे कुछ नहीं समझ में आता. He is scattered. और वो बिखर जाता है. And he is run away. और वो भाग जाता है. Because he did not know that. क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता. Hallelujah. Hallelujah. The third point. तीसरा पॉइंट. He taught us. उन्होंने हमें सिखाया. How to speak in tongues. कैसे अन्य अन्य भाषा. Number one. पहली बात. In faith. विश्वास में बोलना है. Number two. दूसरी बात. Through praising God. परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोलना है. Number three. तीसरी बात. Laying the hands. हाथों को सर पर रख कर बोलना है. Now I will request our prophet going to stretch with his hands. और इस समय मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रॉफिट से कि वे अपना हाथ बढ़ाएंगे. Oh, he going to stretch with hands. Everybody going to receive the Holy Spirit. और इस वक्त प्रभु के दास अपने हाथ को बढ़ाएंगे. सब इस वक्त उस अन्य भाषा को प्राप्त करने जा रहे हैं. The Holy Spirit is leading me. पवित्र आत्मा इस समय मेरी अगुवाई कर रहा है. My prophet Dr. Ajay Minj will stretch with the hands from the video. कि प्रभु के दास प्रॉफिट डॉक्टर अजय मिंज वीडियो से अपने हाथ को बढ़ाएंगे सबकी ओर. Yes. Now once more Dr. Ajay, you show yes now. Just a step forward. सिर्फ अपने हाथ को आप आगे बढ़ाएं. Now we are going to say, we are going to sing a song. इस समय हम गीत को गाएंगे. When you step forward the hand. और उस दौरान जब अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं. After the one chorus we are singing. और एक कोरस गाने के बाद. The prophet will say 1, 2, 3. Then all will speak in tongues. और हम एक कोरस गाएंगे. उसके बाद परमेश्वर के भविष्यवक्ता 1, 2, 3 बोलेंगे. उसके बाद आप सब अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू. Then he will stretch forth the hands. जब अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं. Now shall we all sing one chorus. आइए समय एक कोरस गाएंगे. अंदर अधिकार अपल अधीना शंबल अधिकार. Everybody get ready. सभी तैयार हो जाएं. Shabala bala bura dina bala bura dina bala sara kara ba. शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे. जाति जाति के लोग कांप उठे. शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे. जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे. मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे. जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे. मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे. इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले. इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले. जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी. उसे आग में से मुझको भी दर्शन.
Open your mouth. Going to count the number. ये समय भविष्यवक्ता तीन तक गिनेंगे. Everybody close your eyes. सब अपनी आँखों को बंद कीजिए. Get ready. तैयार हो जाइए. A mighty speaking tongues. सामर्थी अन्य अन्य भाषा. Mighty speaking tongues. सामर्थी अन्य अन्य भाषा. Mighty speaking tongues. सामर्थी अन्य अन्य भाषा. As the prophet is going to count the number. जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता तीन तक गिनते हैं. When he is going to say 1, 2, 3, जैसे वे 1, 2, 3 कहेंगे, by stretch for his hands, अपने हाथ को बढ़ाते हुए, when he say 3, जब वे कहेंगे 3, he is going to shout and say 1, 2, 3, और वे चिल्लाकर कहेंगे 1, 2, 3, everybody will clap their hands speaking tongues. उस दौरान सभी ताली बजाकर अन्य भाषा बोलेंगे. Yes, prophet, everybody is ready. सभी तैयार है. Only you have to do. सिर्फ आपको very with a very loudly voice 1, 2, 3 when you say 3 everybody clap your hands and they'll speak aur aapko zor se 1, 2, 3 bolna hai jaise hi aap 3 bolenge sabhi taaliyon ko baja kar zor se anya bhasha bolenge. Yes, The spirit of God is coming. Oil anointing is coming. Amen. The joy is coming.
The joy is coming. The joy is coming. The joy is coming. The joy is coming. Speak in tongues. The joy is coming. Anand utar raha hai. Anand ka tel. Joy la joy. Anand ka tel. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Oh yes, 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 yes. Speak, 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 speak. बोलिए, 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 speak in tongues. सब अन्य भाषा बोलिए. The healing power is coming. चंगाई की सामर्थ आ रही है. Miracle power is coming. चमत्कार की सामर्थ आ रही है. Deliverance is coming. छुटकारा आ रहा है. Oh Baba, shala bara dina ma, shala bara dina ba, la kala dina ma, shala bara dina ba, ramala bara bara dina ma, shala bara dina ma, rikala dina ma, shala dina ma. Hallelujah. Yes, yes, yes. Amen, 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 amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Da ba da ba da ba da ba da ba. Yes, 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 yes. Release your anointing. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Shabala bala bolo dina ba. Speak in tongues. Speak in tongues. Anni bhasha boli. Open your mouth. Mukh boliye. Don't stop it. Mukh boliye. Band mat kariye. Amen. Shabala bala dina ba. Kala dina ma. Jigala dina ma. Patala kara dina ma. Patala kara dina ma. Shabala bala dina. La kara dina ma. Shabala bala bala dina ba. Kara dina ma. La kala bala 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 dina ma. Yes, yes, Lord. Yes, 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 yes. आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता लॉर्ड हेवनली फादर हे हमारे स्वर्ग के पिता सो कैन वी थैंक एंड प्रेज यू फॉर द वंडरफुल डे दैट यू हैव गिवन अस फिर से एक और बार आपकी स्तुति और धन्यवाद यह अद्भुत दिन आपने हमें दिया है थैंक यू वंस अगेन धन्यवाद फिर से एक और फॉर द 35th डे ऑफ द स्कूल ऑफ भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के 35वें दिन थैंक फॉर यूजिंग योर प्रॉपर प्रभु आपके भविष्यवक्ता डॉक्टर अजय मिंच को इस्तेमाल करने के लिए व्हाट अ ग्रेट जॉय सच में कितना बड़ा आनंद दैट यू हैव यूज्ड हिम माइटली क्या आपने उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल टुडे वी हैव सीन द मेनी पीपल आर opening the mouth and speaking आज हमने देखा कई लोगों ने अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषा Lord they were spoken the spirit प्रभु उन्होंने आत्मा में बातें की they were speaking in the power वे सामर्थ्य में बातें कर रहे थे they were speaking the secret वे रहस्य में बातें कर रहे थे thank for the new strength धन्यवाद एक नए बल yes supernatural धन्यवाद अलौकिकता yeah unique strength धन्यवाद एक अनोखे बल के जो आज हमने bless everyone कोशिश Lord we pray for tomorrow Sunday service कल की रविवार की आराधना के लिए प्रभु प्रार्थना the first service 5 to 7 पहली आराधना सुबह 5 से 7 10 to 1 10 से 1 बजे तक देन इवनिंग 7 टू 9 शाम को 7 ऑल द 3 सर्विस आर टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट सारी तीनों आराधना पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में ब्रिंग मेनी पीपल कई लोगों को प्रभु लेकर ब्लेस एवरीवन हर एक को वी प्रे फॉर द नेक्स्ट लास्ट वीक द स्कूल ऑफ प्रॉफिट आने वाले भविष्यवक्ताओं के विद्यालय के आखिरी सप्ताह के लिए प्रार्थना करें यूज माइटली सामर्थ्य रूप से ब्लेस योर सर्वेंट अपने दास को आशीष गिव ऑल द ग्लोरी सारी महिमा आपको दे इन जीसस नेम वी प्रे यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं एवरीबॉडी से आमीन सब कहेंगे आमीन 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 इस समय पर पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर के सौभाग्य तम सबों के साथ प्रभु के आगमन तक निरंतर होती रहे आमीन 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 If we have any testimony today evening through the teaching of Dr. Ajay Minch, और यदि आज की शाम की जो शिक्षा प्रभु के दास डॉक्टर अजय मिंच ने दिए उसके द्वारा यदि आपको कोई गवाही है आपके पास If you received the speaking new tongues, यदि आज आपने अन्य भाषा को प्राप्त किया है And let the servant of God can hear the testimony. ऐसा हो कि वक्त है परमेश्वर के दास गवाही को सुनेंगे We need two testimony. दो गवाहियों की हमें आवश्यकता है You can raise your hand and we want it. Yes, unmute the mic. Please. और जो व्यक्ति गवाही देना चाहते हैं आप अपना हाथ उठाइएगा और हम जो है माइक को अनम्यूट करेंगे आपके लिए Yes, Pastor Dennis, हमारे लिए गवाही देना चाहते हैं Yes. What today evening experience? आज की शाम क्या अनुभव किया वो आपको गवाही देना है Tell the prophet can hear that. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. As a prophet was speaking in tongue, I was also speaking and I could recognize a different language. Prophet was speaking in Telugu, like Kannada, Malayalam, Tamil and Muslim,
And I was also praying in the tongues. And during that time, prophet was praying in tongues for the our 9 acres land of the church. And during that time, I was also praying in the spirit. And I saw something that the land was been digging. With the plow, they were been digging the land. And as they were digging the land, I was just seeing that vision. And after digging that land, they were putting all the concretes and the iron bars. Amen. And after that, I was praying because that construction was not a very big construction. It was a small construction, what I saw first. Then again, I was praying. Then after that, a large bulldozer I saw. And digging a big ground as for a big tower for a 50-60 floor, we are bringing a tower. So how that they will dig in the deep ground with the bulldozer, they have been digging. And during that time, I saw some car, white car. I saw so many of the cars I seen. And the whole ground was being covered with prayer. All the people were having a chain prayer, catching hold of each and everybody's hand. And the whole ground was being having a prayer. Thank you. I give all the glory and honor and praise to thee. And at the last moment, when the pastor 1, 2, 3, he shared and speaking in tongues. And the new language tongues, Lord, given me. This is the first time. Amen. I give all the glory praise to you. And my two sons, Andrew and Moses, and they were also enjoying in the tongues. They were also speaking. Amen. I give all the glory, honor, and praise to Jesus' name. Shall we all clap our hands for the wonderful testimony? We are going to see a great revival. We are going to see a great breakthrough. A mighty power of the Holy Spirit is going to work. Amen. We receive it in Jesus' name. Another testimony we want. One more testimony. दूसरी गवाही हम सुनेंगे. Prophet Hemant. Yes. Yeah, Prophet Hemant is raising hand. Praise the Lord. Firstly, I'd like to thank Archbishop Prophet Alicia ji and Sister Victoria and a whole team of School of Prophets. And today I get a new other tongues words when Prophet prayer and teaching us. Thank you so much. All glory given to our Heavenly Father. Amen. Thank you, Pastor. Shall we clap our hands and glory be God today also. One more person get the new tongues. Amen. आइए हम सब जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे. प्रभु ने एक और प्रभु के दास को, प्रभु के एक जन को और नई भाषा से परमेश्वर भरा. Third and final prophet Hemant. तीसरी और अंतिम गवाही prophet Hemant. Yes, please. माइक अनम्यूट करेगा ब्रदर. प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी. इस समय की मेरी बड़ी अद्भुत एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने परमेश्वर की स्पिरिट में मैंने प्रे किया और प्रभु ने एक प्रोफेटिक सामर्थ्य से मुझे भरा. और एक इन दिनों अभी जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ा हूँ तब से भी प्रभु ने एक अद्भुत तरह से मेरे को यूज कर रहा है, प्रोफेटिक सामर्थ्य के साथ ब्लेस किया. इसलिए मैं परमेश्वर का थैंक यू. Glory to God. Shall we all clap our hands and glorify God? परमेश्वर को महिमा मिले. सभी जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे. I hope that there are so many testimony. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ आज हैं. But time is not permitted. समय हमें अनुमति नहीं देता. Tomorrow is a Sunday service. कल रविवार की आराधना है. Our prophet Ajay also very tired. और हमारे prophet Ajay वे भी थक चुके हैं. So we are going to close now. इसलिए हम अभी समाप्त करेंगे. Thank you very much for joining with us. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, shall we clap our hands to the doctor prophet Ajay? फिर से एक और बार प्रभु के दास प्रोफेट डॉक्टर अजय के लिए हम ताली बजाकर उन्हें धन्यवाद देंगे. थैंक यू प्रोफेट दैट यू हैव टेकन योर वैल्यूएबल टाइम टू जॉइन विद अस. प्रभु के दास के लिए, भविष्यवक्ता के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं. लेट अस ऑल प्रे फॉर हिज फैमिली. और हम सब लगातार उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें. प्रे फॉर द बिगेस्ट मिनिस्ट्री इन रूरकेला. और राउरकेला में सबसे बड़ी सेवकाई के लिए प्रार्थना. ऑल्सो झारखंड एंड मेनी प्लेसेस गॉड इज यूज हैविंग मिनिस्ट्री. और साथ साथ झारखंड में और कई अलग अलग स्थानों में परमेश्वर अपने दास को Please remember all of us in your prayer. तो आप सभी उन्हें अपने प्रार्थनाओं में याद रखें. May the Lord bless you. आप सबको आशीषित करें. Good night to everyone. आप सबको शुभ रात्रि. Do not forget. मत भूलिएगा. Tomorrow 3 online service. कल 3 online आराधना. Come and enjoy. जरूर आए, आनंद को उठाएं. From Monday to Saturday next week the last week of School of Prophets. और अगला सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक भविष्यवक्ताओं के विद्यालय का आखिरी सप्ताह. God bless you. Bless you. Bless you. आशीष दे, आशीष दे, आशीष. Robert, Dr. Ajay, thank you very much. Shall we all open the mic and mute and say thank you? आइए हम सब अपना माइक अनम्यूट करके प्रभु के दास को धन्यवाद देंगे. थैंक यू बोलिएगा सभी मिलकर. सभी माइक अनम्यूट करके उन्हें धन्यवाद दीजिए. Yes, 1, 2, 3, start. सभी.
सभी बोलिएगा थैंक यू गुड नाइट आप सब कुछ ओके वी आर गोइंग टू पुट अप द वीडियो ये समय मीटिंग को हम एंड करेंगे 1 2 3 रिकॉर्डिंग स्टॉप